विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि अम कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदाति योगने प्रमोद मान मन्दिते श्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम कदा करिष्यसि अम कृपा कटाक्ष भाजन अशेष आव भाव दीन ईरार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद आस्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि अम कृपा कटाक्ष भाजन त्रिरत्न दीप्ति सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ कुंपिते कदा करिष्यसि अम कृपा कटाक्ष भाजनम् चितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिनि कलाप मध्य मंजुले करिंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गौरुके कदा करिष्यसि अम कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरार्व सकल समाज राज हंस वंश निक्वनाति गौरवे विलोल एम वल्लरे विडंबि चारु चंक्रमे कदा माधि जापुलो मज विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपदांगुली नके कदा करिष्यसि अम कृपा कटाक्ष भाजन बकेश्वरी क्लियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शास्त्र रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिके क्षीराधिके नमोस्तु मद्भुतं सत्वं निशम्य भानुनन्दिनि करोतु संततं जन कृपा कटाक्ष भाजन भवेत् दैव संचिता त्रिरूप कर्म नाशन क्या क्या हो गया नमः हो गया हरे कृष्ण हरि बोल हरि नमामि स्वरम् सच्चिदानंद रूपम् लसत् कुण्डलम् गोकुल भ्राजमानम् यशोदाभियालोका लाभधावमानम् परमृष्टमात तथा द्रुतगोप्या नमामि स्वरम्
सचिदानंद रूप लासत कुंडला गोकुल ब्राजमान आरु दंत मोहर नेत्रम युग्मामृजान्तम् करंभज युग्मेन सातंकनेत्रम् मोहर्श्वासकाम्बा त्रिरेखांककांका ऋतग्रैव दामो तरंग भक्तिवादम् इति दृक्सलीलाभिरानंद कोंडे सोघ्वसं निमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीये सितागेशो भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेमतास्त्वं तथा प्रीतिवन्ते परम देव मोक्षं नमक्षावधीम्बा न चान्न व्रीणेहां वरसादपीहां इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालं तदमे मना चावे रास्ता की माने ऐ दंते मुखां भोज माव्यक्त नीलैर् प्रीतां कुंतलै सिग्धा रास्ता सगोप्या मोहचुंबिता बिंब रक्ताधरा में मनसा विराता मलंगला सलावरी नम देवदामो दरनंत विष्णु प्रसिद्धा प्रभु दुखा जालाब्धिमाग्ना कृपा दृष्टि ब्रेष्टाते देनं बतानो गृहाणि समान माग्या मेध्यक्ष आकुबेरात्मजो वाध मुक्तैव जाद्वा तोयामचितौ भक्ति वाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति सकमे प्रजा च न मोक्ष ग्राहो मेस्ते दामोदरे नमस्ते अस्तु दामने पुरदीप्ति धामने तदियोदरायथ विश्वस्त धामने नाम राधिकायै तदिया प्रिया आय नम राधिका ऐ तदिया प्रिया ऐ नमनंत लीलाय देवाय तो नम राधिकाय ऐ तदिया प्रिया ऐ नम राधिका नम राधिकाय तदीय प्रियाय नमनंत लीलाय देवाय तोभ्यम नमनंत लीलाय राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा
राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा राधा रमन माधवपुर प्रभु क्या इधर है क्या माधवपुर प्रभु कहाँ है ऊपर में उनको बोल देना अगर हो सके आएंगे ठीक हाँ अभी बोल सकते हो धीर कृष्ण प्रभु बोल देना धीर कृष्ण प्रभु कृष्णा ये श्रीकांत ओ श्रीकांत श्रीकांत प्रभु जी कृष्ण देव भवंतम वंदे कृष्ण देव भवंतम कृष्ण देव भवंतम वंदे कृष्ण देव मन मानस मधुकर मार्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव आजद्यपि समाधि सुविधिरपि पास्यति न तव नखाग्र मरीचि ऊपर आकर बैठे इदांग मिच्छामि निसम्मत वाचु तदपि कृपाद्भुत वेचि कृष्ण देव भवंतं वंदे ब्रह्मचारी आ भक्ति रुदंचति जाद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री भक्ति रुदंचति जाद्यपि न त्वयि इदं मिच्छामि निसम्मत वाचुत तदपि कृपाद्भुत वीचि कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव अयम विलोलत आद्य सनातन कलिताद्भुत रस वार अयम निवसतु नित्यं मृहामृत निंदिनि विंदन मधुरि मसार हरिव कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे गोकुल तारुणी मंडल मोहिते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे दामोदर राति वर्धन वेसे हरि निस्फुट वृंदा बिपिने से भानुदाधि नवसशिलेखे ललित सखी गुण रमित विसाखे
जय राधे जय जय माधव गईते जय राधे करुणा कुरुमई करुणा भरीते तनक सनातन परनीत चरिते करुणा कुरुमई। तुम लोग आगे आ जाओ और सटन कर बैठो और इधर इधर कैसे और आगे आ जाओ। करुणा कुरुमई करुणा भरीते त्रिरूप सनातन परनीत चरिते करुणा कुरुमई। जय राधे जय जय माधव दईते जय राधे जय जय माधव दईते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे। चंदन क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उसको वहाँ बिछा दो पूरा चक्कर खोल कर बिछा दो उसको बिछा दो उसको। हरे राम 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 हरे 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 राम। वहाँ वीर कृष्ण प्रभु आएगी ना बच्चों की तरफ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरी बोल
दे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। महाराज जी इधर ही है, इधर से नहीं है। हाँ महाराज बुला तो अच्छा रहता था ना। हाँ सब आता ना। हाँ हरे कृष्ण। महाराज ला सकते हैं? कैसे लाओगे? हाँ ले आएंगे। कैसे लाओगे? गाड़ी है, गाड़ी है। तब फिर मैं थोड़ा कथा बोल देता, अब ले आ, फिर इसके बाद आप बोलना, ठीक है? मैं बोलते बोलते जल्दी जल्दी ले आ, पहले अगर ये होता अच्छा रहता। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। एक चेयर मेरे को दे दो। वांछा और चेयर कोई है? और कोई और भी कोई चेयर है? दे दे दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। उसको फिर कोई अच्छा कपड़ा ओढ़ दो। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबकर हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ओ प्रभु जी नीचे बैठे। राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रभु। माला दे सकते हो? यहाँ से पीछे से माला चंदन थोड़ा दे दो तो तब तुम्हें इड़ा सब प्रभु जी को थोड़ा माला देते दे, माला दे दो। ऐसे ठीक ठीक है? हाँ ठीक है। प्रभु दे दो चंदन प्रभु चंदन लग दे। हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव
वैष्णवी सभी को चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। उसको रखना जब वैष्णव के दें। मुरारी इसको थोड़ी सी तेज कर सकता हूँ, हो जाएगा? नहीं बहुत ज़्यादा तेज है ना। हरे कृष्णा, नहीं थोड़ी थोड़ी बहुत तेज है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, ठीक, हरे कृष्णा, ठीक। आवाज आ रही है पीछे? हाँ हो सकता है। हरे कृष्णा और थोड़ा तेज करो। हरि बोल, पूरा पूरा है, ठीक है। थोड़ी सी इधर इस तरफ में घुमा दो, थोड़ी सी घुमा दो। हाँ हरे कृष्णा, ठीक है। आवाज आ रही है? हरि बोल, हरे कृष्णा। आज बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये जो महीना है ये राधा दामोदर मास है। और गुरु जी कहा करते थे इसी महीना में बहुत सारे भक्तों को, विशेष करके प्रभुपाद के गण में बहुत सारे भक्तों का, किसका आविर्भाव और किसका तिरुभाव तिथि है, क्योंकि इसी महीना में साधारण व्यक्ति जन्म नहीं लेता है, क्योंकि जो व्रत का अधिष्ठात्री देवी ये स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे ये महीना विशेष विशेष महीना है। हम पूरा के पूरा महीना ठाकुर जी की कथा और श्री वैष्णवों का कथा ही इसी महीना में रोज रोज, कल एक एक साथ में तीन तीन महापुरुषों का तिरुभाव था, कुछ दिन पहले भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी का तिरुभाव था, कुछ दिन पहले जाजावर महाराज का हैं। रोज रोज जैसे रोज रोज वैष्णव का तिथि आती रह रही, आती जा रही हैं, और हम उनकी गुण कथा सुनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे श्री गुरुपाद पद्म श्री नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का आज इनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। इसलिए कहते ये जो महापुरुष है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते भगवान से बिछोड़ करके अनादिकाल से जीव ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जोनि में ये भ्रमण कर रहा है। इसलिए किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को, ये कौन सा सौभाग्यवान, बोले जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में बहुत सारे भक्ति उन्मुख जिनकी सुकृति इकट्ठा हुआ है। रामचंद्र प्रभु के एक चेयर कोई दे दो भाई, रामचंद्र प्रभु के लिए और एक चेयर कोई है, उनको ला कर दे दो। तो इसलिए किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये सदगुरु का प्राप्त, किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, हैं? जब संसार का सारे अभी सारे बंधन, इसमें एक महाराज जी आएंगे रामचंद्र, उसमें आप बैठ जाओ महाराज जी आएंगे, आप दूसरे से उनको और एक चेयर ला कर दे दो। देखो ऑफिस घर में होगा, नहीं तो और क्या होगा, यहाँ यहाँ कोई व्यक्ति नहीं, भक्त प्रभु आप जाओ देखो, किसी घर में भी होगा ले। किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में ये सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरे गुरुदेव का जो पहला उपदेश है 32 उपदेश में, कहते जब किसी जीव का निष्कपट रूप में जब ठाकुर जी को पास में प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हमें किसी सदगुरु की प्राप्ति हो, कहते फिर भगवत इच्छा से उसको जीवन में ये सदगुरु की प्राप्ति होती है। साधारण भाग्य से जीवों को सदगुरु प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कहते किसकी कृपा से प्राप्त करता है, बोले गुरु और कृष्ण ये दोनों को कृपा से। बोले गुरुदेव तो हमें मंत्र प्रदान करते हैं, फिर ये कृष्ण का नाम क्यों बीच में आया है, हैं? कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कर कृष्ण का नाम क्यों आया, बोले कारण है क्योंकि जब तक कृष्णा, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सदगुरु है, जैसे काल ने भी एक साधु बन करके आ गया था,
हनुमान जब जा रहा था विशल्यकरणी दवा लेने के लिए, बीच में हनुमान श्री काल ने भी एक साधु बन करके बीच में आ गया, और जहाँ पर स्वयं हनुमान भी भ्रमित हो गए, भले ये तो साधु नहीं लगता है, कोई मेरे कोई बीच में कोई गुरु भाई बीच में आ गए, लेकिन बाद में क्या पता चला वो काल नेमी, वो साधु नहीं वो काल नेमी। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं अगर कृष्ण की कृपा नहीं हो, हैं कृष्ण कृपा नहीं हो, क्योंकि कृष्ण को पता है कौन सदगुरु कौन असदगुरु कौन साधु कौन असाधु, ये कृष्ण ही जानते हैं। इसलिए कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण कृपा से ही ये जीवन में हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए कल भी हम लोग श्रवण कर रहे थे गुरु जी के चरण में हम इतने क्यों इतने ऋणी है गुरु जी के चरण में, कारण क्या है, बोले कारण है कल हम बता रहे थे जब भगवान राम आए उसी समय भी हम इसी जगत में होते होएंगे, जब कृष्ण आए तभी भी हम होते होएंगे, जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी हम किसी ना किसी रूप में हम जन्म लिए होंगे। कहते सड़ग स्वामी ये भी जब आए तभी भी हम किसी ना किसी रूप में जन्म लिए होंगे, लेकिन इन लोगों ने हमें कोई उद्धार नहीं किया है। अगर हमें उद्धार किया तो चोटी पकड़ करके नरक से अगर हमें कोई निकाला तो किसने निकाले, बोले हमारी श्री गुरुपाद पद्म ही हमें ये माया की संसार से निकाले। इसलिए हम गुरु जी के चरण में सबसे ज्यादा गुरु जी के चरण में ही हम ऋणी हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यद्यपि अमर गुरु चैतन्य रे दास तथा भी जानिए आमि तहार प्रकाश। इसलिए यद्यपि मेरे गुरुदेव क्यों अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण ही अकेला भगवान है, उसको सिवाय सबके सब संसार में उनकी सेवक है। इसी दृष्टिकोण से हमारे गुरुदेव कौन हुए, वो कृष्ण का सेवक हुए। लेकिन एक शिष्य के लिए गुरुजी कौन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं तथापि जानिए आमि तहार प्रकाश, एक शिष्य समझेगा ये कृष्ण ही स्वयं ये अभिन्न रूप में हमारे पास में श्री गुरुपाद पद्म रूप में उपस्थित हुए हैं। इसलिए आज मेरे गुरुपाद पद्म का आज सुबह आविर्भाव तिथि है। कहते ये जितने प्रभुपाद के गण हुए हैं ये प्रभुपाद का आश्रित है। कहते प्रभुपाद का जितने गण ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए जिस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज प्रभुपाद का योग्यता को देख करके उन्होंने बहुत कुछ इनको उपदेश दे कर गए थे, तुम एक व्यक्ति हो जो भविष्य में महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार और प्रसार कर सकते हो, बहुत कुछ दायित्व दे कर गए। जब उसको बाद में चले गए हैं उनको गुरुवर्ग लोग को चले गए, प्रभुपाद बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले हमारी गुरुवर्ग हमारे ऊपर में इतने सारे दायित्व दे कर गए, मेरे पास में जन बल भी नहीं, मेरे पास में अर्थ बल भी नहीं, कुछ भी बल नहीं मेरे पास में, फिर मैं कैसे इनकी इच्छाओं को पूरी करूंगा, बड़ी चिंता में पड़े हुए थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न समाधि में दर्शन किया, क्या दर्शन किया, सारे महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में सारे महाप्रभु प्रकट हुए, और वहां पर सारे गुरुवर्ग भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सबके सब प्रकट हुए। प्रकट होकर के बोले प्रभुपाद तुम सोच रहे हो तेरे पास में जन बल नहीं तो तुम्हारे पास में अर्थ बल नहीं, कोई चिंता मत करो, हम सबके सब तुम्हें मदद करने के लिए पीछे से तैयारी हैं, हम तैयारी बैठे हैं, केवल तुम केवल प्रचेष्टा करो। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तो पहले सोच रहा था मेरे साथ में कोई है ही नहीं, लेकिन जब महाप्रभु परिकरों ने बताया हम सबके सब, कहते मेरे अंदर में इतने जोश आ गया जैसे 100 गुण मेरे अंदर में ताकत आ गया, वो मेरे साथ में सारे को सारे गुरुवर्ग लोग गए, फिर प्रभुपाद सारे ग्रंथों को प्रकाशन करना, फिर प्रभुपाद धूमधाम से फिर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जब भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज इनके पास में आए तब प्रभुपाद कहते हैं विनोद तुम अभी तक कहाँ था, देखो उनको बोली क्या, बोले गुरुदेव आप तो अभी तक मेरे को याद नहीं करवा किया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, अभी अपना सेवा के लिए
आपने याद कर लिया, फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। मतलब ये जो प्रभुपाद का जो गण है, ये सब के सब महाप्रभु के द्वारा प्रेरित महापुरुष है। और स्वयं राधा रानी कहते, जब प्रभुपाद निकुंज सेवा में गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में ये निविष्ट थे, राधा जी की सेवा में निविष्ट थे, उसी समय में राधा रानी स्वयं कहती हैं, क्या कहती है राधा रानी, बोले नयन मणि मंजरी जाओ, ये जगत का दुख कष्ट को देखो, जा करके तुम अकेला नहीं, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ और जा करके ये जीवों को उद्धार करके लाओ। इसलिए जब प्रभुपाद आए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, वो अकेला नहीं आए, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहबतरी, जैसे धाम और पूरा परिकरों को लेकर के आते हैं, उसी तरह जब प्रभुपाद आए, प्रभुपाद अकेले नहीं आए, पूरा के पूरा अपना परिकरों को लेकर के प्रभुपाद जगत में आए। अगर वो परिकरों को नहीं लेकर के आते हैं ना, ये असंभव था है? प्रभुपाद का जितने गण हुए हैं सबके सब ना किसी रूप में ये राधा रानी की सबके सब कोई सहचरी, सबके सब कोई उनकी दासी है, नहीं तो ये विश्व ब्रह्मांड में है। इसलिए महाराज कहा करते थे, पहले पहले प्रचारक लोग बड़े संन्यास सामंतों को लेकर के बड़े धूमधाम से प्रचार किया, लेकिन प्रभुपाद ने साधारण बच्चों को लेकर के घर घर में सबको भेज करके महाप्रभु का वाणी को उन्होंने सर्वत्र प्रचार और उन्होंने जगत में प्रसार किया है। इसी धारा में मेरे जो गुरुदेव भी श्रील प्रभुपाद का गण में एक भक्त, एक श्री इनकी चरण आश्रित किया है। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने श्री महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक अपना अभिष्ट पूरी किया, जैसे श्री रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापन किया, सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान को स्थापन करवाए, रघुनाथ दास गोस्वामी ये हमारे प्रयोजन आचार्य है, श्री हरिदास ठाकुर जी ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है, जैसे महाप्रभु ने एक एक भक्तों को दे करके एक एक उन्होंने अपना इच्छा पूरी किया, ठीक उसी तरह प्रभुपाद का गण में भी ऐसे ऐसे धुरंधर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े धुरंधर भक्त देखने को मिलते हैं। जैसे महाप्रभु श्री जीव गोस्वामी को द्वारा उन्होंने क्या काम कराए, तो इनको द्वारा उन्होंने सिद्धांत को स्थापन किया है। इसलिए कहते हैं श्री जीव गोस्वामी कवे सिद्धांत सलीले कुचाई बेतर का नल चित जाहे जोले। इसलिए कहते जीव गोस्वामी को उन्होंने तत्वाचार्य रूप में उन्होंने स्थापन किया और जीव का हृदय में जितने तर्क रूपी जो अनल उनको द्वारा दूर किया है, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चिते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए सिद्धांत तत्व दर्शन कठिन है, इसलिए कहते उसमें अलसता मत क्या करो, क्योंकि जब तक सिद्धांत में हम प्रवीण नहीं हो गए। श्रील भक्तिवेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोले देखो जिसको जितने ये सिद्धांत तत्व दर्शन में जिसको जितना प्रवेश है ना, उसका भक्ति भी जगत में वो भी उतना ही भक्ति में प्रवेश कर पाओगे। अगर तत्व सिद्धांत पता नहीं होगा ना, नहीं तो सहजिया मायावादी आउल बाउल नेड़ा नेड़ी ये जितने अपसंप्रदाय में घुस जाओगे सबके सब, वो बामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे। इसलिए सिद्धांत तत्व दर्शन कठिन है, इसलिए अलसता मत करो। इसलिए जो तीन तरह का भक्त बताए, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, इनका जो फर्क उन्होंने बताए, ये कनिष्ठ कौन है जिनका भक्ति बोले डमाडोल भक्ति, वो कनिष्ठ है। मध्यम कौन है जो अपना साधन भजन ठीक से कर लेता है, दूसरों को समझा नहीं पाता, बोले उत्तम कौन है जो अपना साधन भजन को भी अच्छे तरह से कर लेते हैं और दूसरों को भी सिद्धांत तत्व दर्शन के द्वारा दूसरों को भी भगवत भक्ति में उनको लगा देते हैं, कहते ये उत्तम भक्त है। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है, इसलिए इनका नाम ही कहते ये, इसलिए गुरुवर्ग लोग कहते हैं हमारे जो गुरुदेव है, जैसे श्री जीव गोस्वामी तत्व दर्शन के आचार्य है, मेरे गुरुदेव ही ये तत्व दर्शन के आचार्य है। इनका नाम भी देखो भक्ति श्री रूप सिद्धांती, इनका नाम ही सिद्धांती है, इसलिए भक्ति
श्री रूप भक्ति का जो रूप है, बा श्री रूप मतलब श्री मतलब राधा रानी, रूप मतलब उनकी जो प्रकाश जो काय है, इसलिए इनका नाम ही सिद्धांति महाराज है। इसलिए उन्होंने जो तत्व दर्शन का सचमुच से इन्होंने जो संबंध तत्व की जीव के साथ में भगवान की क्या संबंध तत्व की इतने दृढ़ रूप में उन्होंने स्थापन किया, ये चीज को अद्भुत रूप में उन्होंने स्थापन किया। उन्होंने किस रूप में स्थापन किया सिद्धांत को, किस रूप में, इसलिए गुरुपाद पद्म ग्रंथ रूप में है, ग्रंथ रूप में स्थापन किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने जब जगत में थे उन्होंने एक अपना इच्छा को उन्होंने प्रकाश किया था। उन्होंने एक भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज थे प्रभुपाद का समय में, ये बड़े विद्वान थे, संस्कृत धुरधर पंडित थे। इसलिए एक दिन प्रभुपाद ने उनको बोला, बोले देखो हर संप्रदाय में जो प्रस्थान त्रयी जो तीन ग्रंथ ऊपर में टीका होनी चाहिए। तीन ग्रंथ कौन सा है, कहते पहला नंबर वेदांत सूत्र, दूसरा नंबर है कहते जितने उपनिषद है, और तीसरा ये भगवत गीता में। इसलिए ये हर संप्रदाय में, चार संप्रदाय में, सबके सब संप्रदाय में ये तीनों ग्रंथ के ऊपर भाष्य है। यहां तक भी शंकराचार्य का भी इसके ऊपर भाष्य है, नहीं तो उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती है। इसलिए उन्होंने बोले मैं चाहता हूं ये तीनों ग्रंथ के ऊपर में हमारे सांप्रदाय कोई भाष्य हो है। और कौन सांप्रदाय की मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए, और महाप्रभु का जो विचारधारा, महाप्रभु का जो सिद्धांत है, और विशेष करके महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके जो वो ब्रज प्रेम को जो प्रदान करते हैं, जो अनर्पित चरिंचिरात जो ब्रज भाव को जो प्रदान करते, मंजरी भाव को जो प्रदान करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में कोई टीका होनी चाहिए। उन्होंने तो बोल दिए भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज को। तब भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज कहते हैं मैंने तो कोशिश की लेकिन मैं पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वेदांत सूत्र निकाला लेकिन छोटी छोटी ग्रंथ थोड़ी मैंने निकाल दिया, लेकिन मैंने सुना बाद में ये भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज ये ग्रंथों को प्रकाशन कर रहे, इसको जो मैंने सुना मैं भागते भागते महाराज के पास में आया, आ करके मैंने कहा ये दायित्व तो मेरे को प्रभुपाद ने दे करके गए थे, जरूर हमारी संप्रदाय में इस तीनों ग्रंथों के ऊपर भाष्य होनी चाहिए, ये प्रभुपाद का ये मनोभीष्ट है। इसलिए वो कहते हैं मेरे से जितना दूर हो सका मैंने मदद किया है, हैं? और मेरे जो गुरुदेव उन्होंने इतने मोटे मोटे वेदांत सूत्रों को चार ही खंड में उन्होंने ये प्रकाशित, चार ही खंड में ये प्रकाशित किया ये वेदांत सूत्र को। अब विशेष करके जो वेदांत सूत्र और उन्होंने उपनिषद है जो 11 उपनिषद कठक केन तैतरीय ऐतरीय गोपाल तापनी उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्री भगवत गीता, ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में मेरे गुरुदेव ने है इसको ऊपर में जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु टीका है उसको बाद में मेरे गुरुदेव स्वयं उसको ऊपर में बड़े सरल सीधा रूप में उन्होंने टीकाओं को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए आप वेदांत सूत्र पढ़ेंगे, दांत उसका नाम ही वेदांती है, दांत सब वेदांत हो जाएगा, सब दांत टूट जाएगा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य जत, वो इतने कठिन है, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का जो भाष्य है ना वो भी कम कठिन नहीं, वो भी बड़ा कठिन है। लेकिन अगर कभी आपका सौभाग्य हो कभी अगर ये वेदांत को अगर कभी पढ़े, आप देखना मेरे गुरुदेव लास्ट में उसका जो व्याख्या रूप में है उसको अंदर में जो व्याख्या गुरुदेव ने अनुकरणा रूप में उन्होंने एक उन्होंने टीका बनाई, इतने सरल रूप में वो ग्रंथों को बनाए, इतने सरल रूप में छोटे से साधारण व्यक्ति भी उसका अर्थों को आसानी से वो समझ जाएगा इतने। इसलिए जगन्नाथपुरी में कोई एक बाबा जी महाराज थे उन्होंने ये वेदांत के ऊपर में उन्होंने PhD किया है, वो स्वयं आ करके मंदिर में कह रहे थे बोले आपका ग्रंथ को है केवल आपका ग्रंथ को कोई टीचर को पास में मैंने नहीं गया, केवल आपका ग्रंथ को मैं पढ़ करके मैंने पेपर दे करके तो फास्ट PhD को प्राप्त किया। क्यों, इतने सरल रूप में हमारे गुरुदेव ने इतने सरल रूप में उसको व्याख्या किया। अब विशेष करके जो वेदांत है इसको ऊपर में है कहते इसका नाम ही वेदांत। साधारण लोग कहते हैं अरे ये ग्रंथ तो मायावादियों का ग्रंथ है,
हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी का भाष्य है इसको ऊपर में। लेकिन कहते नहीं, ये मायावादियों का ग्रंथ नहीं, कहते ये वेदांत, मतलब वेद का ये अंत, वेद का ये सार। कहते वेद का सार क्या है? कहते निगम कल्प तरूर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल कौन सा है? कहते ये श्रीमद भागवत। कहते ये भागवत का सार क्या है? बोले ये भागवत का सार दशम स्कंध। बोले दशम स्कंध में सार किया? बोले रास पंचाध्याय। बोले रास पंचाध्याय में किसके प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापन की गई? बोले श्री राधा रानी का प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप में, श्री राधा रानी का प्रेम को ही जिसमें रासेश्वरी रूप में उसमें स्थापन की गई। इसलिए मेरे गुरुपाद वो जो वेदांत सूत्र है, जैसे जन्मादस्य जतः है, साधारण लोग जब इसको व्याख्या करेंगे ना, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय किससे होता है? बोले कृष्ण से ही। लेकिन हमारे गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में व्याख्या किया, बोले नहीं, जन्मादस्य जतः, जिससे जन्म होता है आदि रस, आद्य एव पर रस, जिनसे ये श्रृंगार रस की उत्पत्ति है। इतने सुंदर रूप में उसी ग्रंथ वेदांत सूत्र में उन्होंने श्रृंगार रस को उन्होंने स्थापन किया। दूसरे दूसरे संप्रदाय में के दास्य और सख्य रस तक वहां पर स्थापन किया, उसके ऊपर नहीं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने यह ग्रंथ को प्रकाशित किया। जब गुरुदेव ग्रंथ प्रकाशित किया, जो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज, जब उन्होंने देखा ये ग्रंथ को, इतने खुश हुए, बोले आप प्रभुपाद का जो मनभिष्ट है, गुरु जी की जो इच्छा को आपने बहुत अच्छे रूप में स्थापन किया। अभी हमारे मंदिर के जो आचार्य जी है भक्ति रंजन सागर महाराज आ रहे हैं, आप लोग सब खड़े होकर इनको स्वागत करो। बोले श्री भक्ति रंजन सागर महाराज की जय। एक माला की कृपा हो गई महाराज। एक एक महाराज प्रणाम। দেখছেন কত ভালো ব্যবস্থা আছে, সুন্দর আগে চলো। हाँ सब सब बैठी सर। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उसमें की आ नहीं रहा, राम राम हरे। हाँ, इसलिए जब भक्ति विलास श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज उन्होंने सुने, भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज ये ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया है, वो भी कहते भागते भागते आए और उन्होंने देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले आपने प्रभुपाद का, कहते आपने प्रभुपाद का जो मनभिष्ट है आपने स्थापन किया। तब उन्होंने हमारे गुरु जी को बारे में लिखते हैं वहाँ पर, बोले देखो जगत में सबसे बड़े दानी कौन है? बोले जगत में सबसे बड़े दानी हैं जो कृष्ण कथा को दान करते हैं। इसी लोग कहते हैं, जैसे गोपियाँ कहती है ना, तब कथा अमृतम ताप्त जी बनाम कभी विरीड़ीताम कल्मसापहम श्रवण मांगलम श्रीमदा ततम भुवि गृणन्ति ते भोरिदायना। वो कहते हैं जगत में सबसे बड़ा दानी जो कृष्ण कथा को दान करते हैं।
लेकिन वो तो सबसे बड़े दानी, लेकिन उससे बड़ा दानी कौन? वो कहते हैं जो कथा को दान करते हैं वो तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये कथा को चिरस्थाई रूप में जो ग्रंथ रूप में रख करके जाते हैं उससे भी बड़े दानी कौन है? जो ग्रंथ को प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहते हो भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज इन्होंने जो काम किया है, एक बहुत बड़े आचार्य को जो काम करनी चाहिए, ये तीनों जो प्रस्थान त्रय के ऊपर में उनने जो भाष्य लिखकर गए, ये ग्रंथ जब तक दुनिया में ये ग्रंथ रहेगा तब तक महाप्रभु का वाणी जगत में प्रचार और प्रसार होते रहेगा। बोले श्री भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की, बोले श्री गुरुदेव की। इसलिए उन्होंने केवल ये तीनों ग्रंथों का, जो तीनों ग्रंथ है ना, इतने कठिन ग्रंथ है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने अब विशेष करके और एक चीज उन्होंने दिखाया, कहते अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सो वेदात परिवर्णित। उन्होंने दिखाया भागवत क्या है, अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कहते ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ भागवत है। हमारी गुरु वो भक्तिविलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते हैं इन्होंने भागवत का कौन सा श्लोक, वेदांत सूत्र का कौन सा सूत्र को वो लक्ष्य करता है, भागवत को लक्ष्य करता है। उनने पूरा भागवत को छान बीन करके हैं, पूरा उन्होंने कौन सा श्लोक ये वेदांत सूत्र को लक्ष्य करता है, फिर इतना नहीं चैतन्य चरितामृत से, अब देखना चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो पीएचडी ग्रंथ हमारी संप्रदाय की, उन्होंने चैतन्य चरितामृत और भागवत का जो श्लोक ये सूत्र का कौन सा उसको लक्ष्य करता है उसको उन्होंने उसी ग्रंथ में उन्होंने दिया है। मतलब ये जो वेदांत सूत्र ये चैतन्य चरितामृत का सार, ये भागवत का जो इसमें अंतर्निहित है वो एक एक चीज को वहां पर दिखाया उन्होंने। केवल इतना उन्होंने नहीं किया, फिर उन्होंने जो तीन ग्रंथ है जिसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं किरण बिंदु कणा, ये तीन निय वैष्णव पणा, मतलब है जो जो उज्जवल निर्मणि किरण कणा, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु और भागवतामृत कणा, ये जो तीन ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये तीन निय वैष्णव पणा, मतलब है वो कहते हैं केवल तिलक लगाने से कंठी पहनने से साधु नहीं बन जाओगे, जब तक आप ये तीनों ग्रंथ को जरूर पढ़नी चाहिए हैं। ये तीनों निय वैष्णव पणा, वैष्णव का जो पण है, कहते ये तीनों ग्रंथों के ऊपर निर्भर करता है ये, इसलिए ये तीनों ग्रंथ हमें पढ़नी चाहिए, तीनों ग्रंथों को गुरुदेव प्रकाश। इतना नहीं, फिर उन्होंने महाजन गीत संग्रह, जितने सारे महाजनों का, जितने अष्टक और जितने अष्टक और जितने सारे कीर्तन है पद्यावली कीर्तन को, इतने मोटे एक ग्रंथ और इतने दो ग्रंथ को उन्होंने, ये दो ग्रंथों को उसको प्रकाशित किया। बोले इतना नहीं, फिर उन्होंने जो उद्धव जो संवाद हैं, एक उद्धव संदेश और एक उद्धव संवाद। उद्धव संदेश है कृष्ण जब उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं, और उद्धव संवाद है कृष्ण जाते समय उद्धव जी ने जब बोले प्रभु अब मैं किसकी सहारा लेकर के रहूंगा, आप तो जा रहे हो। अंतिम समय में कृष्ण जो उद्धव जी को जो उपदेश दिया है, अवधूत का जिसे 26 गुरु है, और उन्होंने ये उद्धव संवाद ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए ये जितने सारे ग्रंथों को गुरुदेव ने प्रकाशित करके, इतने ग्रंथ के लिए उन्होंने इतने परिश्रम किया, इतने, इसलिए गुरुदेव उन्होंने केवल तीन मंदिर उस समय स्थापन किया, अभी वृंदावन में भी चार हो गया। इसलिए उन्होंने ज्यादा मंदिर में ज्यादा ध्यान नहीं दे करके, उन्होंने ज्यादा गुरुदेव उन्होंने ग्रंथ को ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान गुरुदेव ने दिया है, हैं? इसलिए हमारे गुरुदेव के कहते गुरुदेव आए कैसे भक्ति में, किस समय श्री भक्ति, इसलिए विवेक भारती गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद का आश्रित थे, वो कहीं पूर्व बंगाल में प्रचार करने के लिए गए, प्रचार करने के लिए गए, तो उन्होंने जब प्रचार करने के लिए गए, पूर्व बंगाल का जो लोक है ना उसको दूसरे वृंदावन कहा जाता है, वहां के लोक के अंदर में इतने भक्ति, प्रभुपाद का शिष्य लोग कहते थे जब हम लोग जाते थे ना पूरा गांव में पूरा कपड़ा बिछा देते थे, पूरा गांव में एकदम जितना दूर से हम उतरेंगे हर घर घर में शंख मृदंग करताल लेकर के साधुओं को स्वागत करते थे। प्रभुपाद का शिष्य कहते थे वो कैसे संवर्धना करते हैं, चरण धो करके कपड़े से नहीं पोछेंगे चरण को, अपना केश से,
अपना केस ऐसे संतों का चरण को अपना केस ऐसे पोछा लगाएंगे, मतलब इतने संतों के प्रति उनका भावना सोच नहीं सकती इतने उसको दूसरे वृंदावन क्यों, महाप्रभु स्वयं वहां पर गए थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म स्थान है और श्री पुंडरीक विद्यानिधि बड़े बड़े संतों लोग वहां पर जन्म हुए। कल बता रहे थे ना जब नरोत्तम ठाकुर का चरण स्पर्श होते ही जो पद्मा नदी का जो पानी एक झोंक आया तो जिस तरफ में चला गया उधर एकदम भक्ति को द्वारा उन्हें प्लावित करते हुए चले गए उधर से हैं। इतने ऐसे वहां पर जब उन्होंने गए उस समय मेरे गुरुदेव कॉलेज में पढ़ रहे थे, मेरे गुरुदेव थे लीडर, कॉलेज का एक लीडर थे, किसने कहा देखो कुछ संतों लोग है कुछ संतों लोग यहाँ प्रचार करने के लिए आए, हम यहाँ पर बुलाएंगे। अरे आपको पता होगा अब उनको विवेकानंद का नाम पता होगा है कि उसी समय उनको बहुत बड़े संत मानते थे, क्योंकि विवेकानंद का एक पार्टी था जिसमें लीडर थे मेरे गुरुदेव। मेरे गुरुदेव का बचपन का नाम था शिव शंकर, बोले शिव शंकर कुछ संत लोग आए क्या उनका बुलाए, बोले बुलाओ संत आए हैं। तब भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज अपना साथ में है सारे भक्तों को लेकर गए, सबके सब लाल कपड़े पहने हुए और सबके संतों को लेकर गए। मेरे गुरुदेव ने जो एक श्लोक को सुने भारती महाराज से, केवल एक श्लोक सुन करके उनके चरण में बिक गए। बोले कौन सा श्लोक है, कहते ये भगवत गीता का पहला श्लोक। उन्होंने कहते एक घंटा तक भारती महाराज ने एक घंटा तक एक श्लोक उन्होंने व्याख्या किया। और मेरे गुरुदेव कहते हैं हमने भी पहले गीता पढ़े हैं लेकिन इनका जो व्याख्या था ना हम कभी जिंदगी में सुने ही नहीं, क्या व्याख्या किया। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका गोपर में गुरुदेव कहते थे क्या व्याख्या, हम तो देखते रह गए, हम तो कभी सोच नहीं सकते इसका ऐसा अर्थ है। गुरुदेव कहते उसमें जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो श्लोक है उसमें धर्म क्षेत्र उस तक नाम दिया धर्म रूपी क्षेत्र। तब वो उदाहरण देते हैं जैसे खेती में हम जैसे धान का बीज बोते हैं, देखा ना वहां पर उसको क्षेत्र को साथ में उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे खेती में एक माली होता है जो धान का वृक्ष होता है, वहां पर एक श्यामा गाछ भी होता है, लेकिन वो क्या होता है जो धान का वृक्ष निकलता है ठीक देखने में वो जो श्यामा वृक्ष धान जैसे लेकिन धान नहीं है, वो धान नहीं है, लेकिन जो जानता है माली उसको पता है हैं कृषक ये जो वृक्ष है ये गंधी वृक्ष है वो उसको उखाड़ देता है। कहते उसी तरह कहते इसमें उसमें उदाहरण देकर कहते हैं कहते ये युधिष्ठिर कौन है दुर्योधन कौन है, बोले ये दुर्योधन ये श्यामा गाछ है। कहते ये युधिष्ठिर महाराज कौन है, बोले धान का वृक्ष है हैं। कहते जैसे एक अच्छे किसान वो क्या करता है श्यामा गाछ को उखाड़ फेंकता है और फिर धान वृक्ष को उसको जीवन देता है, उसी तरह कृष्ण कौन है ये कृषक है, लेकिन ये जो दुर्योधन आदि श्यामा गाछ थे और कृष्ण ने क्या किया उसको उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने पांडवों को उन्होंने रक्षा किया धर्म क्षेत्र। और उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, फिर कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं, बोले कुरु नाम का राजा ने खेती किया उस स्थान को, वहां पर उन्होंने यज्ञ किया था इसलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र उसका नाम पड़ा है। और इसलिए किया था जहां अगर वहां पर कोई मरेगा तो उसको स्वर्ग प्राप्ति हो इसलिए उसी स्थान को चुने, यहीं पर महाभारत युद्ध हो इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुस्तवा माम कहा पांडवश्चैव किम अकुर्वन संजय। तो यहां पर फिर कहते हैं कहते भैया दोनों तो युद्ध करने के लिए गए युद्ध ही तो करेंगे, कृष्ण स्वयं शांति दूत बन कर गए, बहुत कोशिश की गई दोनों मिल जाए लेकिन मिले नहीं, लास्ट में युद्ध को चुने फिर जो युद्ध करेंगे फिर यहाँ पर कहते किम अक्रूबन सज्जय, कहते उन लोगों ने क्या किया फिर जा करके और युद्ध करने के लिए तो युद्ध करेंगे वहां पर, कहते इनके मन में शंका क्यों, इसलिए धृतराष्ट्र सोच रहा है वो भैया पांडव तो स्वाभाविक रूप में धार्मिक वो स्थान भी धार्मिक स्वभाव है ऐसे नहीं वहां जाकर बुद्धि तो बदल नहीं गया, अगर इनकी बुद्धि बदल जाएगी तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होने पर फिर क्या होगा मेरे जो बच्चों का जो निष्कंटक राजत्व फिर मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा, इसलिए युद्ध है ना ठीक है क्यों मेरे पक्ष में 11 अक्षौणी सेना पितामह भीष्म द्रोणाचार्य ऐसे है इनको जगत में कोई भी जीत नहीं सकते हैं कर्ण जैसे, इसलिए अगर युद्ध होगा ना मेरे बच्चों का जरूर जीत होगा, ये मन मन में सब सोच रहा है। इसलिए बोले कि मामा का फिर कहता है ये क्या करे, बोले
पांडव और मामा, मामा का मतलब कहते अपना बेटे को कहते मेरे पुत्र, लेकिन पांडवों को अलग कर रहा है। लेकिन यद्यपि दोनों ही भाई के संतान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पांडव को अलग करके बोले मामा का ये मेरे पुत्र और पांडव को ने अलग। उन्होंने जो व्याख्या किया ना, अद्भुत रूप में व्याख्या, वो मेरे गुरुदेव कहते थे इसी श्लोक को मैं सुन करके बोले इसके अंदर में पर संजय किम अकुर्बन संजय, यहाँ भी हमारे संजय प्रभु है, इसलिए कहते वह संजय का मतलब क्या है, हैं? कहते ये संजय ये बड़े धार्मिक प्रकृति के थे, बड़े चरित्रवान थे, आदर्शवान थे, कभी भी असत चीज को प्रशय नहीं देते थे, इसलिए इनको हमारे व्यास देव ने इनको दिव्य ज्ञान, इनको भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया गुरुदेव ने, इसलिए इसलिए इतना बढ़िया बढ़िया और संजय प्रभु कथा करते हैं। और अभी ना संजय प्रभु हमारे एक गुरु भाई है जिसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उनको थोड़ा बहुत सारी तबीयत खराब हो गई और संजय प्रभु ने खुद ले करके हाँ उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना, उनकी सारे सेवा शुश्रूषा को प्रभु जी कर रहे, इसलिए ये साधु सेवा में इनकी जो वृत्ति है ना बहुत है, हाँ इसलिए इसलिए इनका जो प्रभुपाद को विचार को बोलते हैं ना, जिसको हम सुनकर बड़े खुश होते हैं, भैया हमारे अंदर में कोई एक है जो कि प्रभुपाद का इतने सुंदर सुंदर विचार को कम से कम भैया सुनने को तो कम से कम मिलता है इस विचार को, इसलिए हम तो सुन सुनकर बड़े खुश होते हैं जो इतने अच्छे अच्छे विचार को बोलते हैं। इसलिए वहाँ पर मेरे गुरुदेव कहते हैं ये श्लोक को सुनकर मैं तो पागल हो गया मैंने, और उसको बाद में उन्होंने क्या किया जो गोपीनाथ मामा निवेदन सुनो, क्या उन्होंने अपने जैसे हम लोग ब्रह्मचारी नृत्य करते हैं ना, क्या उन्होंने नृत्य किया ब्रह्मचारियों के साथ में उद्दंड नृत्य, और भारती महाराज इतने लंबे चौड़े थे, इतने सारे लोग खड़े होंगे ना, अगर वो बीच में खड़े हो जाएंगे तो सबको ऊपर एक हाथ ऊंचे है इतने, इसलिए उनको लोग देख करके जिसमें बहुत सारे कई जनता इकट्ठा होते थे और वहां पर हई होल्ला को बंद नहीं किया जा सकता था, लास्ट में प्रभुपाद भारती महाराज को खड़े कर देते थे, बोले भारती महाराज अभी आप खड़े हो जाओ, ए उनको देखते ही अपने आप चुप लोग हो जाते, बोले बाबा इतना बड़ा आदमी, इतना लंबा चौड़ा आदमी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं इनके नृत्य कीर्तन को मैं देख करके ना मैं तो पागल हो गया, बोले और मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं तो ये संतों को साथ में साधु बन करके चला जाऊंगा। कहते गुरुदेव कहते मेरा मन प्राण चित्त तो वहीं रख दिया, खाली शरीर को लेकर गया, रात में नींद नहीं आई, संतों की स्मरण करते करते फिर दूसरे दिन फिर मैं आया, देखा सब बैठे हुए और मैं ऐसे ऐसे कर देख रहा था, भैया वो भारती महाराज देखे ये कुछ बोलना चाहते हैं, बोले कुछ बोलना चाहते हो, बोले हाँ, बोले किसको, उन्हें साधु को देखकर संभ्रम होता है ना, छोटा सा कोई एक बच्चा था, बोले इससे मैं बात करना चाहता हूँ, बोले ले जा क्या बोलना चाहता है। मेरे गुरुदेव ने कहा मैं अगर तुम लोगों को साथ में जाना चाहता हूँ हमको ले चलोगे, और तो भाई वो संत लोग किसी वो बच्चों को पकड़ने के लिए आते ये तो आते ही इसलिए आते ही बच्चों को पकड़ कर ले जाएंगे, बच्चे पकड़ने वाला साधु है, बोले हाँ क्यों नहीं ले जाएंगे, आपको हम ले जाएंगे। जब ले जाएंगे बोले मेरे जो गुरुदेव है ना वो जमींदारी घर के बच्चे थे, बहुत बड़े जमींदारी घर के बच्चे थे इन, उस समय उन्हें तो उसी समय ही बुकिलाती उन्होंने किया है, उस समय बुकिलाती ल पढ़ना कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं था, वो बड़े अमीरी घर के बच्चे पढ़ते थे, इतना लिखाई पढ़ाई करते थे, इनके लिए कुछ कहे मिठाई का दुकान, उनको पिताजी उनको मिठाई का दुकान, बहुत गुरुदेव मिठाई खाते थे, बोले जो दुकान है पूरा छूट है, कहते मेरा बच्चा जो खाएगा उसको दे देना, महीना में पेमेंट मेरे से ले लेना, हाँ ऐसे थे। इसलिए जब उन्होंने उनको परिवार सुने ये जो हाँ ये बच्चा साधु बन रहे हैं, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, ये बाबा लोग आकर के हमारा बच्चे को बुद्धि बिगाड़ करके पागल बना करके इसको साधु बना कर ले जा रहे हैं, हाँ इसको पागल बना करके पता नहीं क्या पाठ पढ़ाए और हमारे बच्चे को बाबा बना कर ले जा रहे हैं। जिस समय वहाँ एक नदी है, नदी पार करके वो आएंगे बंगाल में कलकत्ता में, वहीं पर पार होने से पहले ही वहीं पर ही सारे पुलिस लोग खड़े हुए थे, और जिस समय नाव में प्यार रखेंगे उसी समय हमारे गुरु जी को जोर जबरदस्ती पकड़ करके पुलिस लोग को पकड़ कर घर में ले आए। मेरे गुरुदेव कहते थे उस समय मैं क्या रो रहा था जो सोच नहीं सकते, इतने अझोर नयन से रो रहा था, संतों से हम अलग हो रहे हैं, संतों का जीवन कितना पवित्र कितना शुद्ध जीवन है, मैं तो रो रहा था। उसको बाद में गुरु जी को हमारे गुरु जी का जो जीवन है ना श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन को साथ में मिलता जुलता है, इसलिए बड़े घर रहीसी घर के थे, चार पाँच नौकर लगा दिए, पेशाब करने के लिए जाए तो पीछे आदमी जाए, पायखाना पहले तो बाथरूम नहीं होता था घर में उस समय जाए, सोते रहे तो लोग उस समय देखभाल करे ये भाग नहीं जाए, ऐसे हमको घर से और किसी तरह से हमें जाने नहीं देते। मैंने देखा भैया गड़बड़ी हो गया,
ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया? मैंने अपना चोटी कटवा दी, गले से माला को निकाल दिया, निकाल कर मेरे नाटक किया। बोले पता नहीं ये बाबा लोग मेरे खोपड़ी खराब कर दिया, उल्टा पुल्टा बुद्धि दे करके ये भजन भजन नहीं करेंगे, बेकार साधु बाबा हैं, मेरे खोपड़ी खराब कर दिए। तो उनको बोले मैं बहुत दिन हो गया घर से बाहर नहीं गया, बहन की उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, बोले मैं एक बार बहन घर में घूम करके आना चाहता हूँ, हाँ बहन घर में। बोले सचमुच से बड़े दिन से बाहर नहीं निकले? बोले ठीक है जाओ अपना बहन घर से घूम करके आओ। बोले बस बहन घर का नाम बोल कर सीधा कलकत्ता, हैं सीधा कलकत्ता गुरुदेव आ गए। उसको बाद फिर गांव में हल्ला हो गया, शिव शंकर फिर भाग गया, साधु बन करके शिव शंकर फिर भाग गया। फिर उसके बाद में फिर परिवार लोग फिर आए मंदिर में लेने के लिए आए, हैं जब लेने के लिए आए फिर प्रभुपाद ने उनको समझाया। बोले देखो कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य, विषय छाड़ी है वैराग्य। घर में बच्चा कब साधु बनता है? बोले करोड़ों जन्म का कोई अगर पुण्य संचय होगा तभी जाकर किसी बच्चा भजन करता है। तो प्रभुपाद ने कहा देखो तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, क्योंकि जिस वंश में एक बेटा साधु बनता है, प्रभुपाद ने बताए नरसिंह देव स्वयं कहते हैं त्रिसप्त विपितापु तीन, उनकी 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या, इसलिए उनकी 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। जितने पूर्वज नाचना शुरू कर देते हैं वसुंधरा धन्य हो जाती है, जो पिता माता उसको जन्म देते हैं बच्चे से पहले पिता माता की उधार होता। फिर प्रभुपाद उनको समझाया ये जीवन किया है, तुम कितने सौभाग्यवान, तुम्हारी घर के बच्चा साधु चोर तो बनने नहीं जा रहा है ना, बेटा अगर शराब पिए गंधा बदमाश बन जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा, साधु बन जाए तो साधु, अरे साधु नहीं बन गया चोर बनेगा बेटा, ये तो साधु ही बना अच्छा बात है। प्रभुपाद बहुत समझाए, फिर उन्होंने महाराज को छोड़ करके आए। फिर गुरुदेव ने फिर उन्होंने प्रभुपाद को उन्होंने बहुत सेवा की है, इसलिए हम गुरुदेव का एक दो कथा सुना देता हूँ, फिर हमारे विजय प्रभु और संजय प्रभु थोड़ा सुनाएंगे, इसलिए हमारे महाराज भी थोड़ा सुनाएंगे। इसलिए हमारे गुरु जी के अंदर में एक विशेष चीज़ देखा, जो गुरु निष्ठा है ना, कहते जो भक्ति जगत को जो प्यार बन गुरु निष्ठा है, जैसे हम लोग ये माला जब करते हैं, मैंने स्वयं देखा गुरुदेव को हर समय हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद, दिन रात गुरुदेव को देखा, अपना गुरु जी का नाम को लेते हुए हमने देखा, क्योंकि गुरुपाद पद में जार रहे भक्ति निष्ठा, जिसकी अंदर में गुरु जी के चरण में भक्ति निष्ठा है वही व्यक्ति सारा दुनिया को तार सकता है। प्रभुपाद को गण में गुरु जी का प्रभुपाद का प्रति इतने इनकी निष्ठा, इतने घोर निष्ठा है, दिन रात प्रभुपाद का हा प्रभुपाद, प्रभुपाद के बगैर ये कुछ नहीं जानते थे, हैं कुछ नहीं जानते थे। और एक आश्चर्य घटना देखा, मैं अभी नए नए मंदिर में पूरी मंदिर में आया, देखो ये प्रभुपाद का गण कैसे है। एक दिन गुरुदेव ने बोले देखो मेरे को लेने के लिए रथ आया है, अभी मैं चला जाऊंगा रथ आया लेने के लिए, मेरे को स्नान करा दो तिलक लगा दो। अभी तो सारे भक्त लोग रोने लगे, गुरुदेव कहते रथ आया हमको लेने के लिए, गुरुदेव को स्नान कराया तिलक लगवाया, लगा करके भक्त लोग बैठ करके हरिनाम कीर्तन करने लग गए। बोले गुरुदेव कह रहे रथ आया मैं अभी जा रहा हूँ, देखो कौन ये बात को कह सकता है, ये रथ आया हमको लेने के लिए, अभी मैं जाऊँगा मेरे को तिलक लगा दो। इसलिए जो प्रभुपाद का जो गण है ना वो कोई साधारण नहीं, सचमुच से प्रभुपाद ने पूरा अपना परिक्रम को लेकर के आया। प्रभुपाद का गण में जितने भक्त लोग हैं मानो पूरा भक्ति, जैसे महाप्रभु आते समय संपूर्ण अपना निकुंज को उन्होंने उतार दिया था, प्रभुपाद भी आते समय अपना सारे अपना परिक्रम को निकुंज को लेकर के आए। नहीं तो प्रभुपाद का शिष्य हम सुनते ही किसका आश्रित हो? प्रभुपाद का आश्रित हो, हमारा सर अपने आप उनके चरण में झुक जाती है उनका चरण में। ऐसे जब हम लोग कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते फिर गुरुदेव थोड़ी देर बाद में आंख बंद कर बैठे, थोड़ी देर बाद में फिर कहते हैं नहीं महाप्रभु कह रहे हैं अभी तुम्हारे सारे काम पूरी नहीं हुआ है, और कुछ इतनी जगत में रहो उसको बाद में फिर तुम चले आना, हैं फिर बाद में चले आना। थोड़ी देर बाद में उनकी फिर ध्यान उनकी खोली, तो इससे पता चलता है क्या इनकी महिमा। इसलिए हमारे गुरुदेव प्रभुपाद का जो वैशिष्ट, उन्होंने कुछ गुरुदेव प्रभुपाद ना कुछ उन्होंने जीवन लिखा है, क्या अद्भुत जीवन लिखा प्रभुपाद का। गुरुदेव कहते हैं जो प्रभुपाद है जो अनर्थ युक्त जो व्यक्ति है उनके लिए प्रभुपाद एक है, और अनर्थ से मुक्त व्यक्ति के लिए प्रभुपाद अलग है,
इसलिए कहते थे जो अनर्थ युक्त व्यक्ति प्रभुपाद को किस रूप में देखते थे, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये भक्ति सिद्धांत भी दूसरे श्री सरस्वती, ये बाग देवी जैसे अद्भुत, इसलिए उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताया, क्या उनके अंदर में विद्वता है। लेकिन जो अनर्थ मुक्त हैं उनको वो लोग प्रभुपाद को कैसे देखते थे, वो उनको देखते थे कहते ना वृषभा नो सुता दई तानो चरम चरणाश्री तरे नो धरास्ता महम महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। इसलिए गुरु जी कहते थे जो उनकी परिकर के लिए श्री भार सभा भी देवी दयिताय कृपाद्वये, ये राधा रानी के निज जन है, राधा रानी के अत्यंत प्रिय श्री नयन मणि मंजरी। इसलिए प्रभु गुरुदेव कहते थे जैसे श्रीमती राधा रानी सूर्य कुंड जाती है पूजा करने के लिए, बोले किसको ऊपर से क्या दिखाती है, हम सूर्य पूजा करने के लिए जाते हैं लेकिन अंदर में क्या है, कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद को ऊपर से हैं कहते उनका जो निज जन है, कोई कोई कहते ना अरे प्रभुपाद तो केवल सिद्धांत सिद्धांत को बोले, उनने तो रस नहीं दिया, अरे गौड़ी मटका लोग केवल छिबड़ा चीसते हैं, कुछ सहजिया लोग कहते हैं हम लोग को देखो मंजरी सखी, लेकिन प्रभुपाद ने अपना परिकरों का जो नाम दिया है उसका अंदर में उन्होंने नाम को छुपा करके दिया है। जैसे श्री हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कौन है, विनोद मंजरी है। श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद स्वयं उनका पास में पत्र लिखे, ये विमला मंजरी है। इसलिए प्रभुपाद ने अपना परिकरों का उन्होंने अंदर अंदर में उन्होंने मंजरी का स्वरूप, मेरे गुरुदेव का नाम देखो भक्ति, उनका जो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी का नाम, इसलिए प्रभुपाद उनको विद्या बागीश हाँ महामह उपदेशक, उनकी सिद्धांत तत्व दर्शन को देख कर उन्होंने क्या, उन्होंने प्रभुपाद ने उनको उपाधि सब प्रदान किया है। इसलिए गुरु जी की बहुत सारी कथा है, यहाँ पर हमारे विजय प्रभु संजय प्रभु इन लोगों ने कथा सुनाएंगे, कैसे बंगाल में प्रचार के लिए गए, कैसे उन्होंने पूरा आंधी तूफान कैसे उड़ा दिया, अभी ये लोग आपको सुनाएंगे। कौन बोलेगा वो लोग हैं, आप लोग हाँ सब थोड़े थोड़े बोला सब थोड़े बोले भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की, बोले श्री गुरुपाद पद्म की, निताई गौर प्रेमानंद हरि। हमारे महाराज जी हमारे सागर अपनी हिंदी तो कुछ बोलते भारे बहन, अपनी शिष्य सवाई का आशीर्वाद दी बहन, ठीक है सवाई के एरा बोला पर अपने सवाई का आशीर्वाद दीजिए। रामचंद्र प्रभु है पीछे बैठे, इसको यहाँ रखना पड़ेगा, ठंडा लग रहा है तो निकल गया। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणिति नामिने कृष्णलीलाकतने सुदक्षमोदार्य माधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद जयतां सुरतोपांगोर मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदनमोहनो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रविष्ट
ओम विष्णुपाद अष्टशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि साष्टक नृतना समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात आज जिनकी पावन तिथि है श्री श्रीमद नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टशत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में मैं अपने अनंत कोटि साष्टक नृतना समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित चेतन सारस्वत मिशन के वर्तमान आचार्य श्री श्रीमद भक्ति रंजन सागर महाराज जी के चरणों में भी मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, रामचंद्र प्रभु, संजय प्रभु, परमेश्वरी प्रभु, उमा दीदी, बाकी सब इस मठ के जो ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में भी मैं अपने अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करता हूँ। आप सभी धामवासी मेरे ऊपर कृपा करें। जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में हम लोग श्री प्रभुपाद जी के निजजन प्रियजन परिकर नित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का ये पावन तिथि हम लोग मना रहे हैं। ये हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है, नहीं तो वहाँ चले जाते हम, तो ये भी एक सौभाग्य ही है। प्रत्येक साल हम लोग कार्तिक महीने में गोवर्धन में हम लोग ये तिथि मनाते थे, तो श्री गुरुदेव के श्री मुखारविंद से हम लोगों ने कई बार महाराज जी के महिमा के बारे में श्रवण किया है। गुरुदेव ये कहते थे कि परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी जो हैं, जैसे महाराज जी अभी सुना रहे थे, परम पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के कथा से कीर्तन से भक्ति से प्रभावित होते हुए मठ आए। तो श्री गुरुदेव से हमने सुना, जब वे पहली बार मठ आए थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि यहां तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ही एक मूर्ख बैठा हूं। तो श्री गुरुदेव कहते हैं कि जब उन्होंने देखा यहां तो सारे मतलब बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, तो वो फिर दोबारा घर गए। तो घर जाकर के फिर दोबारा जाकर के उन्होंने लॉ डिग्री पूरी की। तो ये महाराज जी के जीवन में हम ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नए बच्चे भी हैं, सब प्रकार के लोग हैं, कि महाराज जी हमें क्या सिखा रहे हैं, कि सबसे पहले पढ़ना क्यों चाहिए। यदि हम कहेंगे कि जड़ विद्या यथा माया रा वैभव से जीव के बनाए गादा, तो वापस क्यों गए, लॉ पढ़ने की क्या जरूरत थी। तो विचार करके देखने पर समझ आता है, बात ये जड़ विद्या पढ़ने की नहीं है, बात है मैच्योरिटी की, परिपक्वता की। वो परिपक्वता जब तक हम संसार में रह के कुछ चीज़ों को ना देख करके कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं, वो परिपक्वता नहीं आ सकता। वो बच्चे बच्चे जैसे ही रह जाएंगे, फिर उसके बाद वो मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, फिर दूसरी बात, महाराज जी ने जो लॉ किया वो बेकार नहीं गया, वो बहुत जगह सेवा में लगा। गुरुदेव कहते थे जब श्री गौड़ी विधान समिति में कुछ प्रॉब्लम परम गुरुदेव के जाने के बाद जिस समय क्या करना चाहिए इसको लेकर के विचार विमर्श जिस समय चल रहा था, तो उस समय भक्ति शिरूप सिद्धांति महाराज जी ने ही जो लॉ में उनकी जो प्रवीणता थी उसके प्रभाव से महाराज जी ने ही श्री गुरुदेव को, श्री वामन गोस्वामी महाराज जी को और पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को और बाकी लोगों को बिठा करके
सलाह परामर्श और एक लॉ की तरह क्या क्या मतलब नियम है कानून है सारी चीजों को उन्होंने सिखाया। तो इसलिए बेकार कुछ भी नहीं है, सब सेवा में लगेगा, किंतु सेवा में लगाने के पद्धति हमको सीखना चाहिए। सब विद्या सब चीज सेवा में लग सकता है यदि हम उसको सही सही तरीके से लगा सकेंगे तो इसलिए पूज्य श्री महाराज जी के जीवन में हम इतनी बड़ी शिक्षा ले सकते हैं कि भावुकता से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर के एक मैच्योरिटी के साथ हम आएंगे तो हम 60-70 साल मठ में जीवन काट सकते हैं। नहीं तो भावुकता से पहुंच गए तो 2-4 दिन में ही हम बस निकल गई हवा, 2-4 लोगों ने कुछ बात कह दी फिर हम भागेंगे फिर वापस, है ना। तो इसलिए महाराज जी के जीवन में इतनी बड़ी शिक्षा हमको फिर मिलती है कि वापस गए पढ़े और मैच्योरिटी के साथ फिर दोबारा वापस गए पढ़े और परम गुरुदेव जाकर के फिर उनको वापस लाया तो इत्यादि श्री महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं। अच्छा एक और फिर कारण भी है पढ़ने का, क्या है, महाराज जी बार बार कह रहे थे कि भक्ति शिरूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी का जो मनोभिष्ट है क्या है, प्रस्थानत्रय, न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, तीन प्रस्थान जो है इन तीनों की जब तक व्याख्या ना हो, सांप्रदायिक व्याख्या ना हो, उसको संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय नहीं माना जाता। तो प्रभुपाद जी के मन में ये इच्छा थी कि कम से कम गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय में कम से कम इन तीनों पर व्याख्या हो। तो ये हमने सुना महाराज जी से कि पूज्य श्री महाराज जी जो हैं भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी जो हैं बड़े परिश्रम से ये तीनों प्रस्थानों का प्रकाशन उन्होंने किया, गीता पर भी, वेदांत सूत्र पर भी, और जो 10-11 उपनिषद जो हैं उन सब पर भी उन्होंने व्याख्या प्रकाशन की। किंतु महाराज जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि कठिन है। मैं महाराज जी से माफी चाहूंगा इस बात के लिए, मैं कहूंगा कठिन नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की कैपेबिलिटी नष्ट हो गई है, हमें कोई चीज समझ नहीं आता है, हम उसके लिए ना पढ़ने का मतलब 2 घंटा बैठ के कुछ पढ़े मतलब इतना भी हमारे भीतर धैर्य नहीं। और साथ ही साथ ये आ गया, फोन आ गया तो 2-2 मिनट में ये देखना वो देखना, वो कैपेबिलिटी नहीं रह गई है, भाषा का ज्ञान नहीं है, सिद्धांत का विचार नहीं है और कुल मिला के संस्कार ही नहीं। इसीलिए हमको लग रहा है कि ये सारा चीज कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, वेदांत हो, गीता हो, कोई भी चीज कठिन नहीं है, प्रॉपर टीचर हो और यदि वैसा पढ़ने का संस्कार यदि रहे कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। किंतु वर्तमान में धीरे धीरे क्या है, हम लोगों का स्तर जो है घटता जा रहा है, ना भाषा का ज्ञान है, ना दो घंटा क्या घंटे भर बैठने की एक मन की स्थिरता ही नहीं, हम बैठ ही नहीं सकते, घूमते फिरेंगे इधर उधर बैठ करके 2 मिनट मतलब मैं पूछ रहा था, मैं सुबह का कार्यक्रम है, शाम का फिर कार्यक्रम है, बाकी पूरा दिन तो फ्री है, क्या करना चाहिए, सेवाएं भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, सब कुछ है, ठीक बात। किंतु हमने श्री गुरुदेव से सुना है कि श्री गुरुदेव विदेश में थे एक बार, और दामोदर महाराज जी थे विदेशी महाराज जी, तो श्री दामोदर महाराज जी से पूछा उन्होंने, बताओ तो रूप शिक्षा क्या है। महाराज जी को मतलब तब वो नए थे तो महाराज जी को बिल्कुल पता नहीं था और वो कुछ भी बोल नहीं पाए। तो श्री गुरुदेव उस समय विदेश में थे तो श्री गुरुदेव ने उनको डांटा, क्यों नहीं पता। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है,
कि मैं खोलूं देखूं। तो गुरुदेव ने कहा मेरे पास कौन सा टाइम है, फिर भी मैं देखता हूं। उन्होंने कहा दो दो मिनट तुम्हें बात करने के लिए तो खूब टाइम है। ने कहा दो मिनट का समय भी वेस्ट ना करो, बैठो खोलो एक एक चीज बार बार देखो, रूप शिक्षा क्या, सनातन शिक्षा क्या, और गीता में क्या बोला गया है, भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, ये सब चीज नहीं देखेंगे। महाराज जी अभी जो बोल रहे थे कि भागवतामृत कणा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु उज्ज्वल लीलमणि किरण, ये सब ग्रंथ हम नाम नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, गौड़ीय सिद्धांत में प्रवेश कैसे होगा, संभव ही नहीं। तो इसीलिए भक्ति शिरोप सिद्धांति महाराज जी की इतनी कृपा है। मैं देख रहा था अभी, मैं उनके गीता का उभाष्य देख रहा था अभी, मैंने देखा कि क्या पांडित्य है, क्या प्रवेश है सिद्धांत में, चमत्कार। सबसे पहले तो बैठ के पढ़ने के लिए क्षमता चाहिए, दो घंटा बैठ लो ना, मैं करता हूं प्रणाम, दो घंटा बैठ के ग्रंथ खोल के, इतना ये ग्रंथ है, इतनी सारी चीजें किसके लिए, बाहर के लोगों के लिए है क्या, बांटने के लिए केवल है बस। हम लोग पहले काम करते थे पत्रिका में, स्थिति में वो मैं देखता था, मटके लोग कोई नहीं देखता है कि 6 महीना मट में फिर पहुंच गए, सिद्ध हो गए, सारे हो गए सिद्ध महापुरुष, फिर ग्रंथ बंद की कोई फिर जरूरत नहीं है किसी को, वो सब फिर बाहर के लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, बस ये सब ग्रंथ हमारे लिए है। तो इसलिए जब तक हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, महाराज जी ने कृपा करके देखो गीता पर इतनी सुंदर व्याख्या बलदेव विद्याभूषण की, गीता भूषण व्याख्या, टफ नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है। प्रॉपर टीचर हो यदि तो बड़े बड़े मतलब मैथ्स भी क्रैक की जा सकती है, कोई टफ कोई बात नहीं है, है कि नहीं। आप स्टार्टिंग में ही कह दोगे या सोच लोगे अरे सब मुश्किल है मुश्किल है, तो फिर कोई काम आपसे नहीं हो सकेगा। और देख रहा था मैं कि महाराज जी ने इतना वैभव प्रकाशन किया है किंतु उसका संरक्षण संवर्धन नहीं हो पा रहा, यही बड़े दुख की बात है। ये बंगला भाषा में है, ये लुप्त हो जाएगा, प्रकाशन भी नहीं हो सकेगा, धीरे धीरे लोग इन सब रत्नों को खो देंगे, यही अत्यंत दुख की बात। वेदांत सूत्र में भी कितनी सुंदर, महाराज जी जैसे अभी कह रहे थे, हमें तो पहले यही नहीं समझ आता है कि वेदांत पर बलदेव विद्याभूषण पा ने कितनी टीकाएं लिखी, अवतरणिका, गोविंद भाष्य, सूक्ष्म टीका, यही नहीं समझ आता किसकी क्या टीका, ये पहले है कि बाद है कि क्या है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार ही नहीं है, वैसी वैसी न संस्कार है न भाषा में वैसा प्रवेश है, किंतु साथ साथ में समस्या भी है, थोड़ी सी संस्कृत सीख ली घमंड हो जाता है, न जाने मैं क्या पढ़ गया, पंडित हो गया मैं। संस्कृत हम घमंड के लिए नहीं सीखना चाहिए, संस्कृत हमें केवल गौड़ीय सिद्धांत में सर झुका करके चरणों की धूली लेके प्रवेश करने के लिए सीखना चाहिए, ना कि थोड़ा सा मतलब संज्ञा संधि ये सब चीज सीख लिया और पता नहीं बाकी सब लोगों को बेकार देखते हैं, अरे सब बेकार किस्म के लोग हैं सब, इनको कुछ पता नहीं, तो इससे तो बेहतर मूर्ख रहना ही ठीक है। संस्कृत भी सीखनी है, केवल और केवल सर झुका करके चरणों की धूली लेते हुए गुरु वैष्णवों की, ताकि हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में प्रवेश कर सके, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए वेदांत सूत्र पर क्या मतलब महाराज जी ने प्रकाश किया है, मतलब शत शत बार कोटि कोटि बार हम इनके चरणों में ऋणी हैं। यदि ये नहीं करते, मैं देखता हूं कहीं भी गोविंद भाष्य नहीं है, हिंदी तो भूल ही जाओ आप, वो श्यामदास जी का है वो भी ठीक नहीं है, उसमें सारी टीकाएं भी नहीं है सब चीजें, भाई हमको वेदांत सूत्र जानना है कहाँ जाएंगे हम, केवल और केवल महाराज जी की टीका रह गई, वो भी बंगला में भी अब धीरे धीरे लुप्त सा ही है। मैं कई बार गोपाल तापनी में मैं ढूंढ रहा था, मुझे फोटोकॉपी मिला उसका, ये अवस्था क्योंकि लोग नहीं है, भाषा नहीं है, समझ नहीं आता है। हमको क्वालिफाइड बनना है, दीनता का मतलब ये नहीं है कि चुप चुप के जाकर के बैठो और कोई काम छोड़ दो हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं, हम सब कुछ पढ़ करके दीनहीन बन के रहेंगे, क्योंकि इन सब में प्रवेश हमको फिर जरूरी है। ये सब सिद्धांतों में प्रवेश नहीं होगा तो फिर क्या होगा,
हम दूसरे दूसरों के सिद्धांतों को मार्केट में बेचेंगे, किंतु हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों को हम किसी को दे नहीं सकेंगे। षट संदर्भ कितने लोगों को पता है, नाम तक सुना है कि नहीं है। यदि यदि हमको इन्हीं चीजों में प्रवेश नहीं है तो गौड़ीय सिद्धांत में कहां तक हमें प्रवेश होगा। हम कह देते हैं कोई बात नहीं, कुल मिला के जो है जैसा है माला कर लो काफी है। वो माला भी लाख से हो गया 48 से 32 से, फिर उसके बाद 24 से हो गया, चलो 16 ही कर लो यार, ठीक है बस इतना। तो धीरे धीरे ये भी फिर घटते घटते यहां तक पहुंच जाएगा कि चलो मट में तो रहा हो, कि रह तो रहा है, पड़ा तो है मट में, है ना। नहीं ये काफी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। यदि नहीं होते मैं ये बात बिल्कुल कहता नहीं। जो हमारी बुद्धि है वो क्या है, साविद्या तन्मतिर्यया, वो विद्या वो है जो श्री गुरु वैष्णवों की सेवा में लग सके और भागवत के तत्व को समझ सके, नहीं तो ये जीवन का मूल्य ही क्या है, है ना। थोड़ा सा सीख लिया, हमको घमंड नहीं आना चाहिए। महाराज जी को देखो, मैं तो प्रस्थान त्रय पर काम करना पहले तो संभव ही नहीं। महाराज जी ने कितना परिश्रम किया होगा अभी कह रहे थे, और श्री गुरुदेव से भी मैंने मतलब कि सुना है, महाराज जी ने पंडितों की सहायता लेकर के दिन रात लग करके, मैं गीता में मैं देख रहा था कि श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका को पंडित ने किया है, किंतु उस टीका को श्री महाराज जी पसंद नहीं किया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब व्याख्या में स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि मैं जो चाहता था बलदेव विद्याभूषण की जो टीकानुवाद की कुछ प्रकाश हो, वो ठीक से नहीं हो पाया, यानी सारा भाव निकल के नहीं आया। तो इसीलिए मैं इस पर थोड़ा विस्तार से लिखने के लिए बाध्य हूँ। और मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा कि बलदेव विद्याभूषण का जो ट्रांसलेशन है टीका का, जो पंडित ने किया वो तो शब्दार्थ किया, उसमें इतना प्रकाश हुआ नहीं, किंतु महाराज जी का जैसा अभी कह रहे थे महाराज जी, इतना प्रवेश है, एक विषय को गहराई से समझ करके उसकी व्याख्या उन्होंने जो की है, सचमुच में इनकी कृपा नहीं होगी तो बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका कहीं कहीं थोड़ी सी क्लिष्ट है चीजें, क्योंकि मायावाद का विचार भी है और थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं मायावाद के खंडन का कुछ विचार भी है, वो थोड़ा साधारण लोगों के लिए समझ में नहीं आ सकता है चीजें। तो इसीलिए महाराज जी ने उन सब चीजों को भी बड़ी बस हो गया सुंदर रूप से उन्होंने उन सब चीजों की व्याख्या की है। तो इसलिए मैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार मैं दंडवत प्रणाम करते हुए मैं उनके चरण धूलि की भिक्षा मांगता हूँ कि महाराज आप कृपा करके हम जैसे बच्चों पर कृपा कीजिए, ताकि हम लोगों को दांत आए, बार बार केवल वेदांत वेदांत कह के दांत हमारा ना तोड़े। हमें दांत चाहिए, हमें वेदांत पढ़नी है, हमें इसमें करनी है प्रवेश, हमें गीता में करनी है प्रवेश, और प्रवेश करके घमंड से चूर नहीं होना है, बल्कि दीनहीन बन के गुरु वैष्णवों की सेवा में लगे रहने। तो इसी प्रार्थना के साथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं तमाम शिरसा नमामि। वांछाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के जिनका आविर्भाव दिवस हम मना रहे हैं उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी स्वामियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। कुछ अपने दिल की बात बतलाता हूँ। हम लोग गुरुदेव के साथ परिक्रमा करते थे, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल होता था करीब 94 से। तो हर साल महाराज जी का आविर्भाव दिवस इस कार्तिक परिक्रमा में आता था, मेरे से इनका नाम ही नहीं लिया जाता था, कुछ पेजीदा नाम दिखाई देता था। तो मैं तो बस ये कह देता था कि हमारे उस समय तो इनका रसानंद नाम था, रसानंद प्रभु के गुरुदेव, ऐसे कह के बुला वो कर देता था। श्रील भक्ति श्री रूप फिर सिद्धांति महाराज, फिर मैंने धीरे धीरे उसको तोड़ के याद करना शुरू किया। अच्छा, इनका नाम सिद्धांति महाराज है ना, फिर इनके पीछे इनके विशेषण हैं या उपाधि हैं, वो क्या हैं? भक्ति फिर श्री रूप, ये इनकी क्या हो गई उपाधि सिद्ध, या क्या कहना चाहिए, विशेषण उपाधि हैं। ऐसे करके धीरे 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 याद किया। हमारे गुरुदेव जब उनके बारे में बोलने लगते थे तो बड़े उत्साहित हो जाते थे। जैसे गुरुदेव बतलाते हैं कि सारथी बनकर कृष्ण रथ चला रहे थे ना अर्जुन का, और उनके घोड़े ऐसे हाथ पैर करके आगे बढ़ना चाहते थे, ऐसे गुरुदेव भी ना उनके बारे में बड़े उत्साह से बतलाते थे। और एक घटना तो खासकर कि वो कहीं प्रचार करने के लिए गए और वो जिन महाराज के साथ गए, उनका नाम याद नहीं मुझको, नेमी महाराज, हाँ नेमी महाराज जी के साथ गए, और वहाँ पे नेमी महाराज जी ने बहुत सुंदर वातावरण तैयार कर लिया, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, और फिर इनको कहा कि तुम भी बोलो। तो वो तो तत्वों की बात कर रहे थे, बहुत सिद्धांतों की बात कर रहे थे, और इन्होंने सारा बोलना ही यूँ शुरू कर दिया कि देखो जी, आजकल तो नाम उन लोगों का हो रहा है जिनका कहीं नाम होना नहीं चाहिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। अरे रविंद्रनाथ टैगोर है क्या, यो तो राम छागल है। पहले तो मुझे ये भी नहीं मालूम था ये हैं, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर के लिए गया, जिसकी ऐसे दाढ़ी थी, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए बोला गुरुदेव ने, राम छागल है। क्यों? वो ऐसे ऐसे दाढ़ी करते हैं, राम छागल है। और जिन्होंने अमेरिका में जाके शून्य के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दिया, भारतवर्ष में उनका नाम विवेकानंद जी, उसके लिए क्या, ये विवेकानंद नहीं, ये बेविवेकानंद है, ये यानी कि जिनके अंदर विवेक ही नहीं है। और बंगाल के बीच में ये चीजें, दोनों बंगाली, और बस जी पमाड़ा मच गया। पमाड़ा समझते हो ना, बड़ा इतना समस्या पैदा हो गई, इतना समस्या पैदा हो गई कि नेमी महाराज जी को प्रभुपाद जी को टेलीग्राम देना पड़ा। उस समय फोन तो थे नहीं, सेल फोन की तो बात छोड़ो, दूसरे फोन नहीं थे, टेलीग्राम देना पड़ा कि इन्होंने तो किए किराए पे पानी फेर दिया। इस चीज को गुरुदेव बड़े उत्साह से बताते थे। तो प्रभुपाद जी का वापस टेलीग्राम आया, अरे नहीं, इन्होंने लाखों रुपए का प्रचार कर दिया, ये देखो अखबारों में छप रहा है, लाखों रुपए का प्रचार कर दिया है, अखबारों में छप रहा है, मैं अभी आके उसी चीज को एस्टेब्लिश करूंगा।
और दूसरे दिन प्रभुपाद जी आए, फिर मीटिंग बनी और उन्होंने धीरे धीरे बातें करके सिद्ध किया कि ये कैसे सही बात कह रहे हैं, ये गलत बात नहीं कह रहे हैं। मुझे ध्यान है कि गुरुदेव हमेशा कहते थे कि इन्होंने बलदेव विद्याभूषण की जो ग्रंथ है, जो क्या कहते हैं वेदांत सूत्र, उसमें जो उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है, बहुत ज़बरदस्त गोविंद भाष्य लिखा है। फिर गुरुदेव ने हमारे अपनी शिष्या मधु खंडेलवाल को उसको प्रेरणा दी, भाई तुम इनके ग्रंथ के हिसाब से उसका हिंदी में अनुवाद करो। तो आज मैं बड़े खुशी से कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरा अनुवाद कर दिया है और 4 खंड हिंदी में वेदांत सूत्र के गोविंद भाष्य, जिसका आधार जो है वो क्या कहते हैं ये महाराज जी की कमेंट्री के बेस पे ही है, वो उन्होंने उसी का ही अनुवाद लेके वो ग्रंथ हिंदी में तैयार हैं। अब हिम्मत होनी चाहिए, जैसे हमारे विजय कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि 2 घंटा बैठ के एक साथ पढ़ो तो सही, तो बड़ी मुश्किल चीज़ है वो 2 घंटा। वो कहते हैं भक्ति के लिए 2 उंगल का सवाल है, अब विजय कृष्ण प्रभु जी के हिसाब से 2 घंटे का सवाल है, पहला घंटा और दूसरा घंटा। दूसरा घंटा तो हो जाएगा पर पहला घंटा निकालना बड़ा मुश्किल है। दूसरा घंटा तो हो जाएगा, पहला घंटा निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। गुरुदेव एक जगह बोल रहे थे कि देखो हम लोग बड़ी परेशानियों से गुजरते हैं, ये क्रोध ही नहीं जाता। अब क्रोध का कारण क्या है? ये काम है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समद्ध भवा। तो रजोगुण से पैदा होने वाला काम जो है वही क्रोध बन जाता है। अब काम दूर नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है। हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां काम को अंदर खींच खींच के लाती हैं। अब इंद्रियों को ही बंद कर दो, आंख देखे ना, कान सुने ही ना, और जीव स्वाद के चक्कर में ना पड़े, ये तो और भी मुश्किल काम है। कैसे किया जाए? आंख को ही कंट्रोल करें या कान को कंट्रोल करें या दूसरी इंद्रियों मन को कंट्रोल, तो और भी मुश्किल काम है। उन्होंने बोला अर्जुन ने कि मैं हवाओं को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। योग की विद्या, यज्ञ की विद्या, तप की विद्या, सारी विद्याएं फेल हो जाती हैं, ये कार्य नहीं होते हैं। भक्ति कैसे स्टेब्लिश की जाए, कैसे प्राप्त की जाए? बोलते हैं इन सब चीजों को एक साथ हासिल करने का बस एक ही उपाय है, कोई इस तरह का उच्च कोटि के गुरु और वैष्णव की हमें संग प्राप्त हो जाए, तो ये सारी की सारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया गया काम, और वो कहते हैं ना उपदेशामृत में है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये जो 6 के 6 वेग हैं वो सारे के सारे एक साथ दमन हो जाते हैं अगर हमें ऐसे वैष्णवों का संग मिल जाए, ऐसे गुरु का संग मिल जाए। महाप्रभु जी कहते हैं कि अगर हमने अपने चित्त को शुद्ध करना है तो उसका एक ही उपाय है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो। वो क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का वो मार्जन करता है। अब ये कौन सा चेतो दर्पण मार्जन कर गया? भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म मंदिर हैं वहां चले जाओ, मंगलवार को शुक्रवार को महिलाएं इकट्ठी होके आ जाती हैं 4 बजे और खूब कीर्तन करती हैं। वो क्या क्या किया है? हम हरि नाम संकीर्तन करके आ रहे हैं। अभी क्या ये हरि नाम संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम करेगा क्या? और इस हरि नाम संकीर्तन में इधर उधर के भी वो भजन गाती हैं और हरे कृष्णा महामंत्र भी गाई जाती हैं, सब गाती हैं, तो क्या चेतो दर्पण मार्जनम उससे हो पाएगा? तो बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने स्टेप्स बताए हैं, आदो श्रद्धा और तथा भजन प्रक्रिया, और भजन प्रक्रिया के बाद आती है निष्ठा। तो भजन प्रक्रिया और निष्ठा के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है या बहुत बड़ा पहाड़ है,
कहाँ कहाँ? भजन प्रक्रिया और निष्ठा के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। किस चीज का पहाड़ है? अनर्थों का पहाड़ है। जब तक वो अनर्थ स्मैश नहीं होंगे, स्मैश समझते ना, ध्वस्त नहीं होंगे, तब तक हम निष्ठा तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब भजन प्रक्रिया में ये ताकत है कि वो उन पर्वतों को स्मैश कर दे और हमें कहां तक ले जाए? निष्ठा तक ले जाए। अभी ये भजन नहीं है, ये क्या है? भजन प्रक्रिया। और कहां से शुरू हुई? श्रद्धा से शुरू हुई, श्रद्धा से भजन प्रक्रिया। अब भजन प्रक्रिया कैसे आएगी? बोलते भजन प्रक्रिया के लिए गुरुकरण बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप है गुरुकरण, और फिर वैष्णवों का संग। तो गुरुकरण और वैष्णवों के संग से जो हमारा भजन और चलेगा, जो हमारा हरि नाम चलेगा, उस हरि नाम का नाम है भजन प्रक्रिया। अगर गुरु वैष्णव नहीं है, अगर उनका संग नहीं है, तो ये बम तो है बिना बारूद का, आग लगाओ कुछ भी नहीं होगा, आग लगाओ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ अगर हम भजन करेंगे तो वो अनर्थों का पहाड़ एकदम भ्रम करके टूट जाएगा और फिर हम निष्ठा तक पहुंच जाएंगे। हमको इस गौड़िया परंपरा में इस चीज की विशेषता हासिल है। क्या विशेषता हासिल है? कि ऐसे वैष्णवों का संग, गुरु भी मिले हैं और संग में वैष्णव भी मिले हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं ये हमारे गुरु वर्ग ही हैं। परम गुरुदेव एक जगह बतलाते हैं कि वैष्णव संघ क्या है। जब हम उनकी चर्चा करते हैं ना, तो वह वैष्णव संघ होता है। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य ही थे, वो हमारे साथ गुरुदेव के साथ परिक्रमा कर रहे थे कार्तिक मास की। मेरे ख्याल पूछवा दामोदर महाराज था उनका नाम, अगर मैं गलती ना खा रहा हूं। तो गुरुदेव की और उनकी आपस में बहस छिड़ गई, मैं सामने बैठा हुआ था, और बहस हो गई प्रभुपाद जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा, गुरुदेव कहते हैं नहीं प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे। तो उन्होंने गुस्से में कह दिया कि तुम प्रभुपाद के शिष्य हो या मैं? तो वो गुरुदेव कहते हैं मैं, आपसे ज्यादा मैं हूं। मेरे सामने गुरुदेव ने कहा आपसे ज्यादा मैं हूं, मैंने उनको अपने कानों से आपसे ज्यादा देखा है। गुरुदेव चैलेंज करके बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य के आगे ये चैलेंज करके बोल रहे हैं। तो अगर हम वैष्णवों को सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, इसका मतलब है हम उनका संग करते हैं। तो इस संग से हमारे को वो ताकत मिलेगी। क्या ताकत मिलेगी? कि हमारा वो हरि नाम संकीर्तन होगा जो चेतो दर्पण मार्जनम कर सकता है, हमारा वो भजन प्रक्रिया होगी जो हमारे अनर्थों को स्मैश कर सकती है और हमको निष्ठा तक ले जा सकती है। तो आज इस ही उपलक्ष्य में मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। अच्छा एक चीज और है, मैं पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु को के अगेंस्ट बोलने जा रहा हूँ। बोले क्यों अगेंस्ट बोलने जा रहे हो? वो गुरुदेव से ही मैंने सुना, 2005 में गोवर्धन में गुरुदेव ने एक लेक्चर दिया इन गुरु क्या कहते हैं पूज्यपाद श्री रूप सिद्धांती महाराज जी के आविर्भाव के मौके पे, कि जब वो लॉ पढ़ने के लिए गए, इसलिए गए कि बड़े अच्छे अच्छे भक्त हैं मठ में, मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो 2 साल जब उन्होंने लॉ पढ़ लिया तो हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद शील भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज वो उनके पास गए और कहते हैं क्या तू इन पढ़ाई के चक्कर में पड़ गया है, इससे थोड़ी भक्ति आने वाली है, और उनको बीच में से ही उठा के ले आए, पूरी लॉ करने नहीं दिया उनको। मेरे को ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, अब पता नहीं सच्चाई कहाँ तक है, उनको पूरी लॉ नहीं करने दिया और वो आ गए और फिर आके उन्होंने ये बड़े बड़े करिश्मे किए। तो गुरुदेव ने उसमें बोला कि आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन है उतनी अपनी रखो और भक्ति शुरू कर दो, उसके बाद क्वालिफिकेशन संसारिक क्वालिफिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वही क्वालिफिकेशन जो है आपको भक्ति में ले जाएंगी, जहां तक भगवान चाहेंगे वहां तक आगे बढ़ती हुई ले जाएंगी। अब तो एक ही क्वालिफिकेशन है कि हम
किसी तरह से वैष्णवों का क्या करें, बैचलर डिग्री तो चाहिए कम से कम, जाएगा तो टिक सकता है संसार में। तो इसलिए जो व्यक्ति पढ़ चुके थे लेकिन केवल लास्ट पेपर देने का था, ले आए नहीं हुआ ना पूरा, देखा डिग्री नहीं मिली थी उनको, डिग्री नहीं मिली। तो मैं गुरुदेव के मुख की बात कर रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो इस हिसाब से अभी वो कह रहे हैं भैया सब लोग ग्रेजुएट करके भक्ति में आना, ताकि अगर मठ में कोई तुम्हें लात मार दे तो फिर बाद में जाके नौकरी कर सको और शादी भी, और लात ना भी मारे तो कोई कोई हाथ पकड़ ले यानी शादी कर ले तो भी जी सकते। गौर प्रेमानंदे। सामंजस्य होगा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी तिनामिने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण वंदन। जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पादपद्म लाला रसोई में जाके बोल के आओ, शोर मत मचाना। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद जगत गुरु शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। तदनंतर जिन महापुरुष की शुभ आविर्भाव तिथि को पालन करने के लिए हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं, शिला प्रभुपाद जी के अंतरंग निज जन, शिला प्रभुपाद जी का मनोभिष्ट पूर्ण करने वाले, श्रीमन महाप्रभु जी के संप्रदाय की विशिष्ट सेवा करने वाले और जगत में दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के आदर्श को स्थापित करने वाले नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशी श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सपार्षद सपरिका शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयुक्त हो, सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो, उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति रंजन सागर महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडोत प्रणाम, पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम, हमारे पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु, पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु, समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडोत प्रणाम। आज बड़ा विशेष दिवस है और भूमिका के स्वरूप कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत कुछ इस विषय में कह दिया है पहले से ही। इस वर्ष परिस्थितियाँ कुछ भिन्न है, यह उत्सव प्रत्येक वर्ष हमारे दूसरे मठ में, हमारा ही दूसरा मठ है, वहाँ पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था और पूज्यपाद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के एक बड़े प्रिय अन्यतम शिष्य हमारे पूज्यपाद भक्ति स्वरूप श्री साधु महाराज जी बड़े उत्साह के साथ में इस उत्सव को पालन करते थे। वो अभी अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज उनके गुरुपाद पद्म के चरणों में, सपार्षद शिला प्रभुपाद जी के चरणों में, सपार्षद श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में, सपार्षद श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें कि हमारे महाराज जी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और मठ में लौट आएं। यही हमारी कामना, यही हमारी प्रार्थना है। उनके बिना इस उत्सव में कुछ ना कुछ तो
अधूरा अनुभव हो रहा है। बड़े उत्साह के साथ में वो रसोई इत्यादि सब बनाया करते थे, एक एक वैष्णव का सब कुछ करना, तो उनका अभाव है, किंतु प्रार्थना है कि वो शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके मठ में लौट आए। ऐसी गुरुपाद पद्म से समस्त महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी से हमारी प्रार्थना है। शिला महाराज जी के अपराकृत जीवन चरित्र के विषय में पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कुछ कुछ अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित की है, क्योंकि समय का अभाव है। मैं बस संक्षेप में आत्म पवित्रता लाभ करने के लिए दो एक बात उनके विषय में मैं कहने की चेष्टा करूंगा। यद्यपि हमारे विजय प्रभु जी ने एक ऐसी भूमिका बना दी है कि समय थोड़ा अधिक भी हो जाए तो बीच में से कोई उठने का साहस नहीं करेगा, उन्होंने कुछ तो ऐसी भूमिका बना दी है, तो इसलिए आज विशेष दिन है, कार्तिक मास है, थोड़ा समय अधिक भी चला जाए तो कोई असुविधा नहीं है। आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, शिला प्रभुपाद जी के निज जनों में उनका स्थान बड़ा अन्यतम है, बड़ा अन्यतम। उनका शुभ आविर्भाव संभवतः पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ने बतलाया ही होगा, बांग्लादेश के वारिशाल जिला में उनका शुभ आविर्भाव हुआ, उसी जिले में हमारे परम गुरु महाराज जी का भी शुभ आविर्भाव हुआ, और एक बड़े ही संभ्रांत कुल में, बड़े ही धार्मिक और धनी मानी परिवार में उनका शुभ आविर्भाव हुआ। माता पिता ने उनको नाम दिया श्री शिव शंकर दे, और इस दे उपनाम की सार्थकता उन्होंने सिद्ध की है। हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने बड़ी विशिष्ट वस्तुएं प्रदान की हैं, बहुत से जगत जीवों को अपने आदर्श चरित्र के द्वारा कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख किया है। इस प्रकार से उनका जो ये दे उपनाम है, ये संपूर्ण रूप में सार्थक ही हुआ है। यदि समय होता तो उनके संन्यास नाम की क्या सार्थकता है, उनको क्यों संन्यास नाम दिया गया, भक्ति शिरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, इसकी विस्तृत हम लोग चर्चा करते, और विस्तृत चर्चा होनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि जिन ग्रंथों के विषय में हम लोग सुन रहे हैं, उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को जो बहुमूल्य, गौड़ीय संप्रदाय में उनका जो योगदान है, श्रीला प्रभुपाद जी की जो उन्होंने विशिष्ट अंतरंग सेवा वो कर गए हैं, उसका यदि कुछ परिचय प्राप्त करना है, जैसे यदि कोई चार आचार्यों की जीवनी पढ़े, जो चार आचार्य है ना, श्री मध्वाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बादित्य जी और श्री विष्णु स्वामी जी, यदि कोई उनके विचार वैशिष्ट्य के विषय में पढ़े और उसके पश्चात में शिला प्रभुपाद जी का गौड़ीय दर्शन पढ़े ना, उस ग्रंथ को यदि पढ़ेंगे, गुरु जी ने प्रकाशित किया है, तो उसमें शिला प्रभुपाद जी का गौड़ीय दर्शन है 40-50 कुछ पेज का, यदि कोई उसको पढ़ ले गौड़ीय दर्शन को, तो वो जान पाएगा कि वास्तव में प्रभुपाद जी चारों आचार्यों के वैशिष्ट्य को किस प्रकार अपने हृदय में, उन्होंने अपने हृदय से चारों आचार्यों के जीव, चारों आचार्यों का जो वैशिष्ट्य है उसको अपने हृदय से बाहर करके गौड़ीय दर्शन के रूप में जगत में कैसे प्रकाशित किया है। तो ऐसे ही यदि कोई, तो उसके लिए पहले चार आचार्यों के विचार में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर शिला प्रभुपाद जी के गौड़ीय दर्शन को समझना पड़ेगा, तब कुछ अनुभव होगा कि वास्तव में प्रभुपाद जी का क्या वैशिष्ट्य था। तो यदि हम लोग शिला महाराज जी के वैशिष्ट्य से कुछ परिचित होना चाहते हैं, तो जैसा हमारे विजय प्रभु जी कह रहे थे, कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, और वो परिश्रम क्या है, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने गोविंद भाष्य लिखा है, यदि उस गोविंद भाष्य में कुछ प्रवेश करें, उसके पश्चात जाने कि गोविंद भाष्य का वैशिष्ट्य क्या है, उसके पश्चात जब शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी ने उस भाष्य के ऊपर एक श्री सिद्धांत कणा नाम की टीका लिखी है, जब उस टीका में कुछ प्रवेश करेंगे, तब वास्तव में हृदय से जान पाएंगे कि उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को क्या बहुमूल्य संपत्ति दी है। तो संपत्ति जैसे बहुमूल्य रत्न है ना, हीरा कहां से निकलता है, खान में से निकलता है, तो सीधा निकल जाता है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, उस रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, वो रासायनिक प्रक्रिया ही क्या है, परिश्रम है ना, उसके माध्यम से हीरा निकल करके आता है, और फिर उसमें भी जो हीरे के पारखी हैं वो जान पाते वास्तव में इसका वास्तव मूल्य क्या है। तो जो इस रासायनिक प्रक्रिया को अर्थात गुरु वैष्णव के अनुगत्य में इन विचारों में कुछ प्रवेश करेंगे, वो जान सकेंगे क्या बहुमूल्य संपत्ति दी है, नहीं तो ये केवल कहना सुनना हो जाएगा, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया, किंतु वास्तव में क्या किया, और उनके प्रति हृदय से जो आदर, जो भावना आएगी, वो कब आएगी, जब उनके विचारों को, उन्होंने 11 उपनिषद उसकी तत्वकणा नाम की एक टीका प्रकाशित की है, 2-4 सूत्र ही पढ़ लेना, कुछ समय ना भी हो, प्रभु जी तो 2 घंटा कह रहे हैं, 20 मिनट ही दे दो, आरंभ करो कहीं से, जब उसमें रुचि हो जाएगी तो 2-4 घंटा तो क्या, बस उसी में ही, उससे निकलने की इच्छा नहीं होगी,
तो 10-15-20 मिनट एक सूत्र पढ़ लो, और शिला महाराज जी ने तत्वकणा नाम की जो उसमें टीका दी उसको पढ़ लो। ये उपनिषद क्या है? वेदों के सार भाग को उपनिषद कहा गया। उपमाने श्रेष्ठ, निष्माने जो ले जाए, दामाने जो विद्या है। तो जो विद्या उस श्रेष्ठ उस पर ब्रह्म के निकट में ले जाए वो उपनिषद। उन 11 उपनिषद की उन्होंने तत्वकणा टीका के साथ में उसको प्रकाशित किया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के गोविंद भाष्य के साथ में उन्होंने अपनी एक सिद्धांत कड़ा नाम की टीका दी। थोड़ा सा उसको पढ़ लेना कभी, अब तो हिंदी में भी हो गया, थोड़ा सा तो जान पाएंगे। जैसा कह रहे थे ना, क्या गंभीर विचार, क्या गंभीर वैशिष्ट्य। और इतना भी ना हो सके केवल भूमिका पढ़ लेना उसकी। उस भूमिका में ही उन्होंने चारों वेदांत सूत्र का जो सार है ना उसको दे दिया। 7-8-10 पेज की भूमिका, अधिक नहीं है। उस भूमिका को यदि पढ़ ले जान जाएंगे उनका वास्तव में नाम जो है ना, भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, उनका नाम वास्तव में ही क्यों सार्थक है। ये श्री रूप का जो सिद्धांत है ना, इसको ही उन्होंने वास्तव में सिद्धांत कणा टीका में प्रकाशित कर दिया है वास्तव में। अब उसको कहने के लिए तो क्या है, एक बहुत भिन्न प्रकार का परिवेश, भिन्न प्रकार की मानसिकता चाहिए, जहां कहने वाले का भी प्रवेश हो, सुनने वाले की भी इच्छा हो, तब कुछ समझ सकते हैं कि भक्ति स्वरूप, स्वरूप का जो सिद्धांत है ना, उसको उन्होंने किस प्रकार से जगत में प्रकाशित किया, और तभी उनका नाम भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज संपूर्ण रूप में सार्थक हुआ। उनको शिला प्रभुपाद जी ने उपदेशक की उपाधि दी, महोपदेशक की उपाधि दी, विद्यावागीश ये उपाधि दी। विद्यावागीश माने विद्या, पराविद्या की जो देवी है सरस्वती देवी। शिला प्रभुपाद जी साक्षात कौन है? शुद्धा सरस्वती स्वरूप। उनका सिद्धांती नाम भी, सिद्धांतों में जिस प्रकार का उनका प्रवेश, ये शब्द भी उनके विषय में कुछ छोटे ही प्रतीत होते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में जैसे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, अरे कृष्ण के मुखमंडल की उपमा मैं किससे दूं? चंद्रमा से दूंगा, सूर्य से दूंगा। सूर्य चंद्र से भला कृष्ण के मुखमंडल की उपमा दी जा सकती है? किंतु श्री रूप गोस्वामी पाद एक स्थान पर कह रहे हैं, यदि मैं अप्राकृत जगत की किसी वस्तु का मैं कोई परिचय दे दूं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। गुरु महाराज जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे एक समय, बड़े भाव में आविष्ट होकर, दिल्ली मठ की बात है, न जाने क्या कहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, आज तक भी समझ नहीं आया। गुरु महाराज जी बंगला भाषा में बार बार कह रहे, पुनः पुनः, उबरेर मसाला, अनेक खोजलाम पेलामना। किसी मसाले को ढूंढ रहे थे और कहते मैंने बहुत ढूंढा मुझको मिला नहीं। आज तक किसी को नहीं समझ आया, तो कुछ अपराकृत जगत में होगी कोई वस्तु, तो हमको समझ में ही नहीं आई, किसी को भी समझ में नहीं आई, तो लिख दिया ऐसे का ऐसा ही, उबर मसाला ना, कुछ एक शब्द व्यवहार कर रहे थे, अनेक खोजलाम पेलामना, किसी भाव में आविष्ट थे। तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते अपराकृत वस्तु की कोई उपमा भी दे दे, जड़ जगत के जीव उसको समझ नहीं सकते। तो इसलिए क्या कर दिया, वो चंद्रमा सूर्य के साथ उपमा दे दी। तो गुरुवर्गों के साथ जब ये बात कहते हैं ना, हमको ही समझाने के लिए है, नहीं तो उनका सिद्धांतों में प्रवेश, अरे वो तो मूर्तिमान स्वरूप है, उस जगत से आए हैं इस जगत में। तो इसलिए उनका जो विचार वैशिष्ट्य है, उनको प्रभुपाद जी ने उपमा दी उपदेशक की। क्यों उपमा दे दी उपदेशक की? महोपदेशक की उपमा दे दी, विद्यावागीश की उपमा दे दी। क्यों दी? जैसा सुन रहे हैं ना, बांग्लादेश के मैमनसिंह जिला में कभी गए, और जो तो मत तो पथ, पूरे बंगाल में इसी विचार का प्रचार है। जितने मत हैं वो सभी एक और कोई चले जाते हैं, भगवान के पास ही चले जाएंगे, भिन्न भिन्न मतों की कोई वैशिष्ट्य नहीं है। उन्होंने इसका खंडन किया। किंतु कभी ऐसे ही बांग्लादेश के सिलेट जिले में भी उन्होंने रामकृष्ण छागल इत्यादि विवेकानंद को विवेकानंद कह दिया। किंतु इसके पीछे एक बड़ी गंभीर भावना है, उसको भी समझना है। इतने सारे श्रोताओं के बीच में जो सभी उस धर्म के प्रचारक हैं, उस मत के अनुयायी हैं, उस मत को मानने वाले हैं, उसके भी उन सबके बीच में बैठकर भी इतने निर्भीक कंठ से श्री चैतन्य वाणी की घोषणा कैसे संभव हो सकती है? शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कभी दार्जिलिंग में थे, और उनसे भेंट करने के लिए राज ऋषि शरद इंदु नारायण चौधरी आए। बड़े बड़े विद्वान और बड़े धुरंधर, धर्म धुरंधर व्यक्ति थे, नाम ही था राज ऋषि। प्रभुपाद जी के साथ में कथोपकथन चल रहा था, समझने की बात है, समझने की, ध्यान से, प्रभुपाद जी के साथ कथोपकथन चल रहा था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि उस समय में 50 मठ स्थापित हो गए थे, बाद में तो प्रभुपाद जी ने 14 मठ और किए, 64 मठ हो गए। तो उन्होंने कथोपकथन में शिला प्रभुपाद जी से कहा कि आपकी कृपा से, यह कौन कह रहा है? शरद इंदु नारायण चौधरी प्रभुपाद जी से कह रहे कि आपकी कृपा से भारत और भारत के बाहर 50 मठ स्थापित हो गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि मैं 50 मठों के स्थान पर 50 लोग प्राप्त करता तो मैं स्वयं को अधिक लाभान्वित अनुभव करता। समझ में आई बात? प्रभुपाद जी कहते 50 मठ बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, यदि मुझको 50 लोग मिल जाते
50 लोग तो मैं स्वयं को लाभान्वित अनुभव करता। तो उन्होंने फिर से उत्तर दिया, आपको तो ऐसे लोग मिले हैं, आपका तो एक एक शिष्य एक एक दिक्पाल है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये लोग तो निर्भीक कंठ से चैतन्य वाणी की घोषणा कहां कर पा रहे हैं, जदपि प्रभुपाद जी के गण और प्रभुपाद जी एक ही हैं, कोई भेद नहीं है उनमें, किंतु प्रभुपाद जी ऐसा आदर्श दिखला रहे हैं। ये लोग चैतन्य वाणी की निर्भीक कंठ से कहां घोषणा कर पा रहे हैं। उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने एक बात कही जो सुनने की है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, श्री चैतन्य चरणों में एकांत शरणागत हुए बिना ऐसी निर्भीकता नहीं आती। समझ में आई बात, श्री चैतन्य चरणों में एकांत शरणागत हुए बिना ऐसी निर्भीकता नहीं आती। तो ये जो निर्भीकता रूपी गुण है, शिला महाराज जी हजार हजार लोगों के सामने निर्भीक कंठ से चैतन्य वाणी की घोषणा कर रहे हैं, ये निर्भीकता कहां से आती है? इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है वो शिला प्रभुपाद जी के चरणों में, जैसा महाराज जी बतला रहे थे ना, बड़े निष्ठावान थे, कितनी उनकी निष्ठा होगी अपने गुरु के प्रति, कितना उन्होंने अपने गुरु के विचार को हृदय में बल दिया होगा, कितना उनमें साहस होगा और कितना उनका विश्वास होगा। कल भी हम सुन रहे थे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रद्धा शब्द का विश्वास क्या है, फुल कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव। उनका कितना कॉन्फिडेंस होगा। कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, कर रहे थे तो लौकिक परंपरा है, करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा बंद कर दो। बाबा ने कोई आर्ग्यूमेंट किया, थोड़ा सा कुछ चर्चा हुई, कृष्ण ने पूछा क्यों करते हो, बाबा ने बता दिया। कृष्ण ने कहा बंद कर दो। बंद की या नहीं की, बंद की या नहीं की, विश्वास है ना संपूर्ण रूप में। ऐसे ही उनका गुरु के प्रति कितना विश्वास होगा। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है, फुल कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव। कितना कॉन्फिडेंस था उनका। शिला प्रभुपाद जी ने कहा है शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, सत्य कथा कहने से लोकप्रियता जनप्रियता अर्जित नहीं होगी। ये शिला प्रभुपाद जी के वचन है, सत्य कथा कहने जाओगे लोकप्रियता जनप्रियता अर्जित नहीं होगी। शिला प्रभुपाद जी के निकट में यह पता चलता है शिष्य का और गुरु का कितना संपर्क हुआ है, शिष्य और गुरु का कितना प्रगाढ़ संबंध है। क्योंकि यदि संबंध हुआ है, गुरु के साथ में संग हुआ है, आचार में विचार में वाणी में गुरु का वैशिष्ट्य परिलक्षित होगा ही होगा। यदि कथा बोल रहे हैं गुरु जी की बात नहीं आ रही है, यदि आचरण में चरित्र में गुरु जी का विचार गुरु जी का आदर्श परिलक्षित नहीं हो रहा है, विचार करने की बात है, गुरु जी के साथ संग हुआ है या नहीं हुआ। तो उनका कैसा संग हुआ प्रभुपाद जी के साथ, रूप गोस्वामी जी का संग हुआ कि नहीं हुआ महाप्रभु जी के साथ में। महाप्रभु जी ने उनको अनुमति दी रूप गोस्वामी जी को, करो मेरे हृदय में प्रवेश और मुझको जगत के सामने प्रकाशित करो। तो हमारे महाराज जी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे, जब रूप गोस्वामी जी ने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते ये श्लोक कहकर रूप गोस्वामी जी की ने महाप्रभु जी की वंदना की, कान पे हाथ रखा, जो महाप्रभु जी यदि कोई उनको नमो नारायणाय कहकर प्रणाम करता, कान पर हाथ रखते और क्या कहते, जीवा धमे विष्णु ज्ञान कबू ना करीबा। अरे जीव को कभी विष्णु मत कहो, वही महाप्रभु जी विष्णु भी नहीं कह रहे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय आप स्वयं कृष्ण हो, कृष्ण चैतन्य। वो कान पर हाथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि रूप गोस्वामी जी को हृदय में प्रवेश करने की अनुमति दी। और ये कहा उनसे, गुरु महाराज जी कहते थे जब राय रामानंद जी स्वरूप दामोदर जी भी प्रकाशित करने लगे, उनके मुख पर हाथ रख दिया, रूप गोस्वामी जी को नहीं रोका, उनको आज्ञा प्रदान की मुझको प्रकाशित करो। तो शिला प्रभुपाद जी के हृदय के जो भाव है, शिला प्रभुपाद जी की जो विचारधारा है, प्रभुपाद जी ने अनुमति दी शिला महाराज जी को, प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकाशित की, करो मेरे इस मनोभीष्ट को पूर्ण। तभी तो उन्होंने किया, सिद्धांत कड़ा नाम की टीका लिखी, तत्व कड़ा नाम की टीका लिखी, 11 उपनिषद प्रकाशित किए, गौड़ीय संप्रदाय को ऐसी बहुमूल्य संपत्ति दे गए। और परम गुरु जी के साथ में तो उनका यही साम्य है, परम गुरु जी ने भी सारा जीवन मायावाद का खंडन किया, और शिला महाराज जी ने तो स्थायी रूप से, परम गुरु जी ने जिस प्रकार से सारा जीवन खंडन किया, उसी उनकी वाणी को स्थायित्व देने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र प्रकाशित किया सिद्धांत कड़ा टीका के साथ में। तो शिला प्रभुपाद जी ने किस परिमाण में उनको अपने हृदय में प्रवेश करने की अनुमति दी थी, वो कितने अंतरंग थे शिला प्रभुपाद जी के साथ, श्रीमन महाप्रभु जी के साथ, इससे अनुमान लगता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सत्य कथा कहने जाओगे लोकप्रियता जनप्रियता अर्जित नहीं होगी। तो कितना उन्होंने अपने गुरु जी के विचारों को हृदय में आदर दिया था, कितना गुरु जी के विचारों को, कितना उनका विश्वास होगा कि हजार हजार लोगों की सभाओं में भी वो एक क्षण भी, जबकि जूनियर है, पूज्यपाद नैमी महाराज जी और पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जिनके साथ वो जाते थे, वो सब सीनियर थे उनसे, और वो उस समय में ब्रह्मचारी अवस्था में, श्री सिद्ध स्वरूप उनका नाम है, उनको कोई भय नहीं है, और संपूर्ण रूप में निर्भीक कंठ से इस बात को कह रहे। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार आरंभ किया, बहुत सारे लोग विरोधी हो गए, तो उनके निकट में कभी ये संवाद आया, प्रभुपाद जी के निकट में एक बड़े धनी मानी व्यक्ति ने, नाम लेना नहीं चाहिए,
उन्होंने प्रभुपाद जी के निकट ये संवाद भेजा कि यदि आप अपने नियमों में कुछ छूट कर दो, आप बहुत कठोर सत्य कहते हैं, यदि आप नियमों में कुछ छूट कर दो मैं बंगाल के लाख लाख लोगों को आपके चरणाश्रित करा दूंगा। समझ में आई बात? प्रभुपाद जी ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, वो सुनने की बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मैं इस जगत में अवस्थान करूंगा, एक एक बात को सुनना, जब तक मैं जगत में अवस्थान करूंगा शेष मुहूर्त तक अपने गुरु पाद पद्म के छत्र के नीचे खड़ा होकर निष्कपट भाव से निरपेक्ष रूप से निर्भीक रूप से सत्य कथा कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा। जिन लोगों ने मेरा आश्रय ग्रहण करने का अभिनय किया है यदि वो भी मुझको छोड़कर चले जाएं, जिन्होंने वास्तव में आश्रय ग्रहण किया वो तो कभी नहीं जाएंगे, किंतु जिन्होंने अभिनय किया उनको ही लक्ष्य करके कह रहे हैं, जिन्होंने मेरा आश्रय ग्रहण करने का अभिनय किया वो भी एक एक कर मुझको छोड़कर चले जाएं, तब भी जीवन में अपने जगत में अवस्थान के शेष मुहूर्त तक जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं वास्तव सत्य की बात को निर्भीक कंठ से निरपेक्ष रूप से कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा। निरपेक्ष सत्य के प्रति उनका कैसा आदर था, कैसा अनुराग था, और वही अनुराग उन्होंने शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के हृदय में संचरित किया। नहीं तो निर्भीक कंठ से हजार हजार लोगों के सामने चैतन्य वाणी की घोषणा ये संभव नहीं है। हम कह सकते हैं, कहेंगे कहीं जाकर, हम तो अपेक्षा कर लेते हैं, अरे अमुक व्यक्ति ने हमको बुलाया है इस सभा में हम ये बात कहेंगे। नहीं, उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। क्यों? उनके मन का विचार है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ना, यदि भगवान पर संपूर्ण रूप में शरणागत हो तो भगवान ही सब कुछ करने वाले, रक्षा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, तो वो संपूर्ण रूप में भगवान में शरणागत है, किंतु हम शरणागत नहीं है, इसलिए निर्भीक कंठ से वो सत्य वचन निकलता नहीं है। किंतु उनका कैसा अनुराग, तो प्रभुपाद जी के साथ में जैसा रूप गोस्वामी जी का महाप्रभु जी के साथ में साम्य है ना, उनका शिला प्रभुपाद जी के साथ में कैसा साम्य है। और उनका एक बड़ा विशेष वैशिष्ट था, बड़ा विशेष वैशिष्ट, श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने अप्रकट होने से पहले प्रभुपाद जी को गोद्रूम में बुलाया था और उनको कुछ अपने मन की इच्छाएं बतलाई थी। उसमें से एक इच्छा यह थी कि शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि मुद्रण यंत्र का स्थापन अर्थात प्रिंटिंग प्रेस लगा के और ग्रंथ प्रकाशित करके, उन्होंने कहा श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को, मायापुर धाम की विशिष्ट सेवा होगी। तो शिला महाराज जी, ग्रंथ प्रकाशन करने के प्रति उनका बड़ा अनुराग था। क्यों अनुराग था? शिला प्रभुपाद जी कहते थे गौड़िया संप्रदाय का एक एक जो ग्रंथ है ना, वही वास्तव में एक एक गौड़िया मठ है। तो सामान्य दृष्टि से तो दिखता है कि शिला महाराज जी ने केवल तीन चार गौड़िया मठ स्थापित किए, किंतु यदि वास्तविक रूप में देखो उन्होंने असंख्य गौड़िया मठ स्थापित किए हैं। और केवल ईंट पत्थर का गौड़िया मठ नहीं, उन्होंने वास्तव में ग्रंथ रूपी गौड़िया मठ स्थापित करके एक स्थायित्व दिया गौड़िया मठ को, गौड़िया मठ की विचारधारा को। क्योंकि विचारधारा ही यदि नहीं रहेगी तो फिर मठ मंदिर संस्थान किस बात के, विचारधारा ही यदि ना हो तो। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते थे ना, जिस मठ में हरी कथा कीर्तन नहीं है वो तो क्या है, निर्जीव मठ है। मठ का तो अर्थ ही हरी कथा कीर्तन है। तो उन्होंने कितने गौड़िया मठ स्थापित किए हम कल्पना नहीं कर सकते। किंतु उनका एक बड़ा विशेष वैशिष्ट और था, जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित होता तो शिला महाराज जी उत्सव करते। जैसे हम जन्माष्टमी रामनवमी पे उत्सव करते हैं ना, शिला महाराज जी उत्सव करते। क्यों उत्सव करते? उनका विचार था, श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान का शाब्दिक अवतार है, भगवान का शाब्दिक अवतार, भगवान से अभिन्न है। तो जैसे भगवान के प्रत्येक अवतार के आविर्भाव के समय में, जैसे नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ, राम जी का, तो हम उत्सव करते हैं ना, तो कहते थे ये जो ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं ना, जैसे वेदांत सूत्र प्रकाशित किया और उपनिषद प्रकाशित किए, अन्य अन्य ग्रंथ प्रकाशित किए, तो जब भी कोई ग्रंथ प्रकाशित होता था महाराज जी उत्सव करते थे, इस विचार के साथ में कि आज भगवान ने शब्द ब्रह्म के रूप में अवतार लिया है, आज भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए आज उत्सव होगा, बड़े सुंदर रसोई बनवाते, भोग लगाते। कैसा उनका विचार वैशिष्ट था। तो नहीं करवाते थे जी, फास्ट तो नहीं करवाते थे, फास्ट क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है। कैसा उनका अद्भुत विचार वैशिष्ट था। तो उनके जीवन का एक बड़ा अद्भुत दार्शनिक दृष्टिकोण है, बड़ा अद्भुत। किंतु गुरु महाराज जी, मैं बस दो चार मिनट ही और कहूं, गुरु महाराज जी उनके जीवन का एक जो बड़ा, जिसको कह सकते हैं सहज सरल भी उनके जीवन का एक पक्ष है, क्योंकि वैष्णवों का जीवन चरित्र तो संपूर्ण होता है, संपूर्ण। तो हमारे गुरु महाराज जी एक बात को प्राय श्रवण कराया करते थे कि उनका परम गुरु जी के साथ में कैसा संबंध था। परम गुरु जी, गुरु महाराज जी को ये बात बतलाते थे कभी, गुरु जी कह रहे हैं अपनी कथा में, प्रत्येक वर्ष बात को स्मरण करते थे कि जिस समय परम गुरु जी ब्रह्मचारी थे श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, और जिस समय शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ब्रह्मचारी थे श्री सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, तो वो कोलकाता उल्टा डांगा जंक्शन रोड पर होते थे और मायापुर से सब्जियां इत्यादि भेजी जाती थी ट्रेन से। तो दोनों गुरु भ्राता
सब्जी के बोरे लेने के लिए जाते थे स्टेशन पर, और गुरुजी बड़े बड़े भाव विभोर होकर बतलाते थे कैसी इन लोगों की सेवा वृत्ति थी, कैसा इनका परस्पर प्रेम था, गुरु भ्राताओं में कैसा प्रेम होना चाहिए। तो गुरुजी कहते थे सब्जी आई, एक बड़ा बोरा आया एक छोटा बोरा, तो परम गुरुजी कहते मैं तुमसे बड़ा हूं तो मैं बड़ा बोरा लूंगा, वो कहते हैं मैं आपसे छोटा हूं मैं आपको बड़ा कैसे लेने दूंगा, ऐसे तर्क वितर्क हो रहा। किंतु अंत में परम गुरुजी उनकी बात को मान करके उनको बड़ा बोरा दे दिया, स्वयं छोटा बोरा मस्तक पर लेकर के मठ में जाते थे। तो गुरु महाराज जी बड़ा स्मरण करते थे भाव भी ने शब्दों में कि ऐसा इन लोगों का परस्पर संबंध था। और गुरु जी कहते थे जब हमारे परम गुरु जी अप्रकट हो गए तो गुरु महाराज जी कहते मैं और विशेषकर पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी, ये गुरु जी के शब्दों में कह रहा हूं, हम लोग बहुत सारे वकीलों के पास में गए, बहुत कुछ हम लोगों ने दौड़ भाग किया, किंतु उसको वास्तव में एक सूत्र में एक धारा में किसने पिरो दिया, जो गुरुजी ने शब्द व्यवहार किए ना, गुरुजी कहते हैं शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने हमको एक सूत्र में पिरो दिया, एक सूत्र में, और ऐसा पिरो दिया कि 60 वर्ष हो गए हमारी माला अभी तक नहीं टूटी। ये गुरु महाराज जी के शब्द हैं, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, गुरु जी और अन्य अन्य उनके गुरु भ्राताओं को। गुरु जी कहते हमको ऐसा एक सूत्र में पिरो दिया कि 60 वर्ष हो गए अभी तक हमारी माला नहीं टूटी। तो गुरु महाराज जी ने अंत में जो बात कही वो कहते हैं कि श्री गौड़ीय वेदांत समिति जो है वो शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की चिर ऋणी रहेगी, चिर ऋणी। गुरु जी कहते थे हम जब भी उनसे भेंट करने के लिए जाते थे हमको बड़े प्रीति के साथ में आदर के साथ में संदेश खिलाते, रसगुल्ला खिलाते, और आज तक भी महाराज जी के मठ का जो प्रसाद है वो समस्त गौड़िया मठों में, गुरु महाराज जी कह रहे इस बात को कथा में, समस्त गौड़िया मठों में बड़ा प्रसिद्ध है। और गुरु जी कहते हैं कि जब उन्होंने वृंदावन में अपना स्थान संग्रह किया, एक और उन्होंने पहले स्थान संग्रह किया था, तो गुरु जी कहते हैं उन्होंने मुझको पत्र में लिखा कि मुझको एक स्थान की आवश्यकता है, मैं आपके निकट में आऊंगा। तो वो मथुरा में आए गुरु जी के पास में, और मथुरा में आकर रहे, और गुरु जी को साथ में लेकर वृंदावन में उन्होंने बहुत सारे स्थानों को देखा, और गुरु जी के परामर्श से ही उन्होंने क्या किया, अपना स्थान संग्रह किया। परिवर्तित काल में दो मठों में अदला बदली हो गई स्थान की, किंतु गुरु महाराज जी कहते थे हमारे साथ में उनका बड़ा बड़ा बंधुत्व, बड़ा मैं उनको गुरु महाराज जी कहते अपने शिक्षा गुरु के रूप में सदा सर्वदा उनका आदर करता था। और गुरु जी अभी से नहीं, प्रारंभिक काल से ही हिंदी में जितने ग्रंथ छपे, उज्ज्वल नीलमणि किरण, भागवतामृत कणा और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ये सब कुछ महाराज जी के ग्रंथों का जो उन्होंने बंगला में प्रकाशित किए, उन ग्रंथों का आधार लेकर के ही गुरु महाराज जी हिंदी में ग्रंथ प्रकाशित किए। तो हम लोग सब प्रकार से, हमारे शिला महाराज जी के सब प्रकार से ऋणी हैं। अपने जीवन में वो जो आदर्श दिखा गए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी वो उनके शिक्षा गुरु थे, उनको मठ में लेकर आए, सारा जीवन उन्होंने अपने शिक्षा गुरु को जिस प्रकार से मर्यादा दी है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, शिक्षा गुरु के तजानी कृष्णेरा स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एई दुई रूप, कृष्ण का स्वरूप जानकर उन्होंने अपने शिक्षा गुरु को साक्षात दीक्षा गुरु के जैसी सदा सर्वदा मर्यादा प्रदान करके उन्होंने इस गौड़ीय संप्रदाय में जो आदर्श वो छोड़ गए, कितना निर्भीक उनका कंठ था, एक ओर वज्रादपि कठोराणी थे, दूसरी ओर मृदुनी कुसुमादपि, तो इस गौड़ीय संप्रदाय में उनका जो अवदान है उसके लिए तो संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय ही, प्रभुपाद जी का एक एक पार्षद ही, एक एक दिक्पाल, एक एक लोकपाल है, एक एक पार्षद ऐसी संपत्ति छोड़ गए हैं, उसकी चर्चा करें हम लोग, और जीवन में उस विचार को हम कैसे अपना सकें, कैसे हम उस ग्रहण कर सकें उस जीवन जीवन में उनके विचारों को, उनके आदर्श को, ये वास्तव में विरह तिथि आविर्भाव तिथि मनाने का मूल तात्पर्य है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं अतएव वैष्णवेर जन्म कर्म नाई, संगे आई से न संगे जाए न तथाई, वैष्णवों का ना जन्म है ना कर्म है, जैसे भगवान माइक ब्रह्मांड में आविर्भूत होते हैं किंतु माया से उनका कोई स्पर्श नहीं है, ऐसे ही उनके ये पार्षद श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, ऐसे इनका जगत में आना, जगत से चले जाना, ये सब कुछ भगवत सेवा के उद्देश्य से है। बहुत महाराज जी का वैशिष्ट है, किंतु उसकी चर्चा करने के लिए अंततः हम कुछ सूत्र रूप में जो सुन जाते हैं, अभी जिन ग्रंथों का नाम ले रहे, कुछ तो जाकर के अपने स्थान पर उनको खोलें। आज तिथि है तो वर्ष में एक बार ही हो, कहीं से तो आरंभ कर लें, आज तिथि है तो थोड़ा सा उनका विचार पढ़ लें, तो जाकर जब उनके ये वेदांत सूत्र जो प्रकाशित किया इसकी भूमिका देखेंगे ना, वास्तव में जान पाएंगे क्या धुरंधर, क्या अद्भुत उनका पांडित्य था। और साथ ही साथ में चैतन्य चरितामृत से, श्री रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों से उन्होंने जो सब विचार दिया है, एक एक वस्तु का उन्होंने जो सामंजस्य किया है, वास्तव में उनका जो नाम है ना भक्ति श्री रूप सिद्धांत, श्री रूप के सिद्धांत का ही उन्होंने सारे जगत में प्रचार किया। शिला प्रभुपाद जी का यही मनोभीष्ट था कि श्री रूप रघुनाथ की वाणी उसका संपूर्ण जगत में प्रचार होना चाहिए। तो महाराज जी इस वस्तु को
स्थाई रूप से दे गए अपने ग्रंथों के रूप में इस वस्तु को स्थाई रूप से। बड़ा अद्भुत उनका वैशिष्ट है, बड़ा ही अद्भुत उनका चरित्र है। शिला प्रभुपाद जी के उनके प्रति जैसी निष्ठा है। गुरु महाराज जी ने अपनी बात को भी जब समाप्त किया ना मथुरा में, ये प्राचीन समय में कभी कथा में कह रहे हैं, तो गुरु महाराज जी जो बात कहते हैं उसी को कहकर मैं बस समाप्त करूं कि गुरु महाराज जी कहते हैं जैसा उनका चरित्र है ना, ये गुरु जी के शब्द है, गुरु जी कहते हैं जैसा उनका चरित्र है वैसा ही चरित्र हमारा भी हो जाए। ये गुरु जी तो कह सकते हैं, उनके लिए तो उपयुक्त है क्योंकि उन सब एक ही चरित्र है, किंतु हम प्रार्थना करें कि जैसा उनका चरित्र है, गुरु जी कहते हैं वैसा ही चरित्र हमारा हो जाए आज उनके चरणों में, यही हमारी कोटि कोटि प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज अपने का आशीर्वाद दे दीजिए भाई। क्षमा कीजिए, एक एक लेक्चर में याद आ रहा है, गुरुदेव ने परम गुरुदेव की तिथि शरद पूर्णी का है, वो भी आपके गुरु ने कुछ ये लोग दूसरी तिथि ले रहे ओम अज्ञानधिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। आज के বাংলায় বলছি, হিন্দিতে তো আপনি বলেন, ওটা তো শুনেছি আপনি তো হিন্দিতে বলেন। হ্যাঁ হিন্দিতে বলছেন। আমরা লোক বহুত বনে তো আপ লোক আসি মুখ মে জো আমরা গুরুজি কা মহিমা শোনা হ্যায় আপ লোক পহলে সর্বপ্রথম আপ লোক চরণ মে কোটি কোটি দণ্ডবোধ। हम लोग बोलने वाला हमारा गुरु जी का महिमा बोलने वाला हम खुद नहीं सीखता है, और आप लोग जो बुलाए तो कबा हो गया, अरे बाज रे बाज, धन्य धन्य धन्य। आप लोग को चरण में पहले ही हम लोग दंडवत करते हैं। हम तो बोले नहीं आता है, क्या करेगा, फिर भी हम एक तो बात याद आता है, बोलता है यही हमारा पूज्यपाद श्रीधर महाराज हमसे छोटा है, लेकिन हम देखता है वो छोटा नहीं, हम ही छोटा है। हाँ, उनका उनका जा महिमा ना, उनका आगे हमारा महिमा बिल्कुल कुछ नहीं है, हैं उनका चरण में हम दंडवत करता है, हमको अपराध क्षमा कीजिएगा। हैं सारे दुनिया में गुरु जी का महिमा प्रचार करता है, अरे बाजी बाज क्या बोलेगा। हमारा जो जो हमारा गुरु जी का महिमा बोला है उसको ऋण हम नहीं सोच कर सकते पाएगा। हाँ समझ गया, हमारा गुरु जी का महिमा कौन बोलता, हम नहीं, अब तो खुद नहीं बोल सकता है, जो बोलता है उनका ऋण आप लोग को ऋण हम नहीं सोच कर सकते पाएगा। इतना बल करके आप शिव गुरु महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, ये प्रार्थना करता है। जय श्री गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि कृष्ण। इसे संभाल के निकालिए ना। दूसरा वाला मृदंग दे, दूसरा वाला जल्दी मृदंग। चरण पद्मा केवल भव कति सदमा Yeah.
श्रीकांत गौर हरि गौर हरि
जितने ब्रह्मचारी लोग इधर आ जाओ, अपने महाराज के हाथ से कपड़ा धोती ले लो। हमारे जितने ब्रह्मचारी लोग सब आ जाओ, महाराज के हाथ से धोती ले लो। ये संचय लो, आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं चल गौर पहले से इधर इधर बस खड़ा हो जा, बुला रहे ना महाराज, मैं मधु सुन रहा हूँ। जय श्री गुरु गोरखनाथ का निर्धारित श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की। जाओ जाओ, क्या कर रहे हो? आप बाद में। जय त्रिला प्रविष्ट शिशिम भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय त्रिला प्रविष्ट शिशिम भक्ति वेदांत श्री त्रिविग्रह गोस्वामी महाराज की जय। जय त्रिला प्रविष्ट शिशिम भक्ति वल्लभी गोस्वामी महाराज की जय। जय त्रिला प्रविष्ट शिशिम भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय त्रिला प्रविष्ट शिशिम भक्ति तिरुपति गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ विवाह तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्ति वृद्धि की जय। समस्त रूपान गुरु वैष्णवाचार्य वृंद की जय। शिल प्रभुपाद परिकर गण की जय। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ की जय। समस्त सेवक वृंद की जय। जय श्रीपाद भक्ति रंजन सागर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समागत गौर भक्तवृंद की जय। श्री पार्वती वेदांत श्रीधर महाराज की जय। नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।